यूज कर रहे हैं, तो अगर आप नैनो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे कॉस्ट आपकी 1/5 हो जाएगी, सिर्फ 2000 में ही उतना काम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने काफी टीम के साथ फील्ड ट्रायल्स वगैरह भी किया है, तो बहुत अच्छे से हमने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी इसका निकाला है। तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, आप लोग चाहें तो बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, और 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा है ये, तो मैं भी ऑर्गेनाइजर से इंक्लूड रिक्वेस्ट करूंगी कि आधे घंटे के बाद कम से कम एक ब्रेक दे दें, या 40 मिनट्स का आज एक लेक्चर रखें और 40 मिनट्स फिर कभी किसी और दिन। लेकिन चलिए ठीक है, जितना भी होता है तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कैलकुलेशन किया था कि 20 से 40% जो है वो पेस्ट की वजह से लॉस होगा फूड प्रोडक्शन में, और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक हमें 45% मोर फूड टू फीड चाहिए। मतलब हमारी पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रही है उसकी वजह से हमें 45% मोर फूड चाहिए। तो इसी वजह से पेस्ट जो है वो ह्यूमन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि खेतों में अगर कीड़े लग जाते हैं तो काफी नुकसान हो जाता है खेत में। जैसे अभी हमारा फा का था, फॉल आर्मी वर्म का था, उसकी वजह से मेज के प्रोडक्शन में, मतलब ये क्या मक्के की खेती में बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर कॉटन में भी हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा है, मतलब हर हर क्रॉप में, हर इसमें आपको पता है कि पेस्ट का तो रहता ही है कि वो ह्यूमन के साथ कॉम्पीट करता है और वो लॉस क्रिएट करता है। तो ये जो पेस्ट वगैरह थे, तो ऐसा नहीं है कि इसका पहले लोग कंट्रोल नहीं करते थे। जैसे आप लोग खुद काम करते हैं, आपको पता है कि आप लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, लेकिन साथ में आपको वक्त के साथ साथ ये भी पता चल गया कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का कितना हार्मफुल हेल्थ हो, मतलब हेल्थ के ऊपर कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप चाहें तो जो अभी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह बता रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पेस्टिसाइड पूरा का पूरा रिप्लेस कर दीजिए 100%, लेकिन जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं आप इनको भी यूज कीजिए, जिसकी वजह से कम आप यूज करेंगे। तो आप इस तरह से मिक्स मिक्स करके इसको प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की काफी कम मात्रा में आप उपयोग कर सकते हैं। और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लेकर के जाता है, मतलब कि इसके सारे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करेंगे तो ये हमें जैविक खेती की तरफ लेकर के जाता है। और पहले जो है वो एक रिसर्च हुआ था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा बीटी ब्रिंजल के बारे में, लेकिन वो खेतों तक तो अभी तक नहीं आ पाया है, उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं कुछ, जिसकी वजह से वो अभी तक खेतों में नहीं आ पाया है। और जो हम पेस्ट का जो कंट्रोल करते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में आपको पता होगा कि पेस्ट को मारने के लिए हम लोग पैरासिटॉइड्स और प्रेडेटर को पालते हैं, और प्रेडेटर और पैरासिटॉइड्स को जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि माइक्रोबियल्स में आता है। वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रेडेटर्स और पैरासिटॉइड्स जो है वो भी अनाज खाते हैं, और फाइनली आप जो पेस्ट है वो भी अनाज खा रहे हैं, तो उसका कमर्शलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब और उसमें काफी सारे और भी उसकी कमियां थी, खामियां हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जैसे कि आपको पेस्ट होना हो खेतों में लेकिन आपको प्रेडेटर्स और पैरासिटाइड को खाना खिलाते ही रहना है ताकि वो सीजन तक आपका रहे, जबकि पेस्टिसाइड और केमिकल्स में जो इंसेक्टिसाइड्स है ऐसा नहीं है। इंसेक्टिसाइड एक बार बना के आपने रख दिया तो रख दिया, तो इस वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ बायोलॉजिकल कंट्रोल, खासकर माइक्रोबियल्स जिसको कि लाइव कल्चर कहते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा इसका जो था बायोलॉजिकल कंट्रोल का, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब यूज किए गए थे, वायरस यूज किया गया था, जैसे HANPV है। HANPV मतलब आपका हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, मैं अभी आपको कुछ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी दिखाऊंगी, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा है। तो हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा को मारने के लिए उसका वायरस का ही सॉल्यूशन बना करके उसको स्प्रे किया जाता है खेतों में, तो वो तो फिर भी थोड़ा सक्सेसफुल है। मतलब वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, EPN, ये तो फिर भी सक्सेसफुल है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, लेकिन माइक्रोबियल्स का तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है और वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। इसी तरीके से फेरोमोन ट्रैप्स का भी है। तो फेरोमोन ट्रैप्स ऐसा नहीं है कि मतलब दीपा भगत ने बनाया है इसको, ये बहुत पुराना रिसर्च था, लेकिन ये क्यों सक्सेसफुल नहीं था खेतों में ये मैं आपको बताना चाहूंगी।
सबसे पहली बात तो ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं था कि जो ये फेरोमोन होते हैं ये होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। फेरोमोन जो है वो एक तरीके का केमिकल है जो कि पेस्ट में अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है और हम उसको ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे क्या होता है, फीमेल जो है वो ये फेरोमोन रिलीज करती है और मेल उसको अट्रैक्ट होकर के आता है और वो ट्रैप में फंस के मतलब पकड़ा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली फेरोमोन ट्रैप्स का। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे जिसकी वजह से कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इतना सक्सेसफुल हुआ लेकिन फेरोमोन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फेरोमोन इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, सबसे पहला फेरोमोन सिल्कवॉर्म का निकाला गया था 1962 में, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, मतलब आप मानिए कि ये परफ्यूम की तरह से होते हैं। परफ्यूम जैसे आप कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हैं या जैसे सुबह आप लगाते हैं तो परफ्यूम शाम तक नहीं रहता, तो इसी तरह खेतों में अगर आप लगाएंगे परफ्यूम की तरह से ये वोलेटाइल कंपाउंड, तो वो सुबह लगाएंगे और शाम तक चला गया, तो रोज रोज तो बहुत मुश्किल है कि जाके खेतों में इसको स्प्रे किया जाए। इसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाता था और ये बहुत कॉस्टली, जबकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत सपोर्ट करता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन इसका जो ये ड्रॉबैक था कि ये बहुत जल्दी उड़ जाता है और इसको बार बार खेतों में डालना पड़ता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पहले टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ 1 वीक तक सक्सेसफुल होती थी, कि मतलब अगर आपको ट्रैप चेंज करना है तो 1 वीक में चेंज करना है। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, खासकर इंडिया में लोगों ने इतना, इंडिया इन द सेंस कि डेवलपिंग कंट्री में ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाँ, ये यूरोपियन कंट्री में, उसके बाद US वगैरह में ये सक्सेसफुल था, बिकॉज वो तो कॉस्ट के लिए इतना ये नहीं होते हैं, उनका तो अलग ही सिस्टम चलता है एग्रीकल्चर का। तो लेकिन ये डेवलपिंग कंट्री में फेरोमोन ट्रैप्स इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इसी वोलेटाइल नेचर होने की वजह से। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी में इस तरह के, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी में इस तरह से रिएक्शंस किए हैं कि ये जो फेरोमोन प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अब आपको खेतों में 6 महीने तक आपका वो सक्सेस रहता है, मतलब कि आप एक बार अगर ट्रैप लगा देंगे तो वो 6 महीने तक काम करता है, तो एक क्रॉप सीजन पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और कभी कभी तो कुछ कुछ कंपाउंड तो ऐसे हैं कि वो एक क्रॉप सीजन कवर करने के बाद भी इफेक्टिव होते हैं, तो जैसे कि राजस्थान में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो उदाहरण भी दिखाऊंगी मैं आपको, राजस्थान में व्हाइट ग्रब्स का कंट्रोल किया हम लोगों ने, तो वो तो आप समझिए कि लोगों ने मुझे बताया कि एक ही ट्रैप उन लोगों ने नेक्स्ट ईयर भी यूज किया और वो भी काफी अच्छा सक्सेस, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट दिया था। यही मैंने आपको बताया है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यही है फेरोमोन ट्रैप्स का कि ये हाईली वोलेटाइल इन नेचर है, ये बहुत जल्दी उड़ जाता है। अच्छा, जो अवेलेबल सॉल्यूशंस है, मतलब आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो सपोर्ट करता है या अदर देन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सपोर्ट करता है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, किस तरीके से कीड़ों को कंट्रोल किया जाए, तो उसमें है था जैसे ये बेट स्प्रेस। बेट स्प्रेस मतलब क्या करते थे लोग, कि जैसे केला वगैरह है, जैसे खासकर ये फ्रूट फ्लाइज वगैरह के लिए लोगों ने यूज किया था मैंगो वगैरह में, कि खाने का सामान कुछ रख दिया और प्रोटीन रख दिया और उसमें इंसेक्टिसाइड मेलाथियन वगैरह मिला दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि प्रोटीन जो है वो बहुत जल्दी, मतलब मान लीजिए खाने का कोई भी सामान है वो जो रखते थे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था, तो फिर वही बात आ गई कि बार बार उसको बदलना है। अच्छा, दूसरा जो करते थे वो एरियल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड करते थे, जैसे हमारे कंट्री में तो आपका हैंड स्प्रेयर से करते हैं, लेकिन US वगैरह में तो पूरी की पूरी फ्लाइट से उसको खेतों को, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो इस वजह से वो लोग एरियल स्प्रेइंग करते थे, मतलब हवा हवा के थ्रू, जैसे अभी ड्रोन से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और ड्रोन को अभी जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, तो पेस्टिसाइड्स ड्रोन से स्प्रे करना तो मतलब हाँ डेफिनेटली कंट्रोल हो रहा है, लेकिन उसका डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स है। और जो पुराना मेथड था वो आपका है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया ही, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया ही कि उसके कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं। और दूसरा जो था वो फेरोमोन्स का माइक्रो कैप्सूल्स बना करके वो लोग यूज करते थे, लेकिन माइक्रो माइक्रो कैप्सूल्स का भी ये था कि वो जो है अपनी भार की वजह से ही वो बस्ट कर जाता था और बहुत जल्दी ही लीक करता था। और उसके बाद जो है फिर हाइड्रोजेल्स लोगों ने बनाया, तो हाइड्रोजेल्स का भी ये था कि ये बहुत,
वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब कि वे बारिश में अगर आप लगाएंगे तो अगर वो पानी में घुलनशील है तो वो तो बारिश में चला जाएगा, तो इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और जो मैंने आपको बताया कि ट्रैप्स जो है वो सेवियो केमिकल्स मतलब फेरोमोन्स वगैरह के लिए जो था, तो उसका यही था कि भाई उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हुआ करती थी। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है ये सारे ही ड्रॉबैक को ओवरकम किया है। एक तो वो घुलनशील नहीं है पानी में, तो बारिश के मौसम में भी आप लगा सकते हैं, टेम्परेचर स्टेबल भी है, तो गर्मी के मौसम में भी 45 डिग्री 50 डिग्री तक आप यूज कर सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की मैंने जो फील्ड ट्रायल्स किया था वो वाराणसी में किया था, तो उत्तर प्रदेश में तो पता है आपको कि कितनी गर्मी होती है, 42 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही था, और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिला था। वो काम मैंने नेचर में पब्लिश किया, नेचर एक इंटरनेशनल जर्नल है तो उसमें मैंने वो काम पब्लिश किया था। और इसमें रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं होती है, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट उत्पाद बनाया है, जो आप पुराने फेरोमोन्स, हाँ इसका एक ये भी ड्रॉबैक था फेरोमोन्स का कि भाई उसको फ्रिज में रखना पड़ता था उस कंपाउंड को, तो और ट्रांसपोर्टेशन भी उसका रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में ही होता था, तो वो बहुत ही मुश्किल था फार्मर्स तक जो है रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में सारे सामान को पहुंचाना। तो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, मतलब उसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह की जरूरत नहीं है, ना ही फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत है। तो ये जो हम केमिस्ट्री, जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ कि जो हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया है, इसका जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोगों ने नैनो जेल नाम दिया था, और जो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने किए थे वो एक तरीके की एरोमेटिक पाई पाई स्टैकिंग इंट्रैक्शन होती है, जिस तरह के हमारे शरीर में डीएनए में वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है इस स्टैकिंग की वजह से, उसी तरीके से रिएक्शन करके हम लोगों ने इसका नैनो जेल बनाया था। और ये बहुत ही अच्छा है, कन्वीनियंट है, सॉल्वेंट फ्री मेथड है, मतलब कि ये सब हमारे केमिस्ट्री साइंटिफिक है कि इसमें मतलब कोई भी केमिकल्स वगैरह इतना यूज नहीं होता है, और इसी वजह से इसका हमें पहला पेटेंट भी मिला था 2013 में ही, मतलब 2014 में ही हम लोगों ने इसको फाइल किया कर दिया था, और ये इंडियन पेटेंट है नैनो जेल्स मेथड और डिवाइसेस देयर ऑफ करके हम लोगों ने फाइल किया था इसको। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड कंपाउंड होता है, जो फेरोमोन होता है ये आपका लिक्विड कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी हवा में उड़ करके चला जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने लिक्विड को जो है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया है। और ये जो हमने बनाया था ये फ्रूट पेस्ट के लिए बनाया था, जो आपका आम में मैंगो में जो कीड़ा लगता है मैक्रोसेरा डॉर्सिलिस करके बोलते हैं, वो उस कीड़े के लिए हमने बनाया था। और इसको बहुत ही सक्सेसफुली हम लोगों ने फील्ड ट्रायल्स भी किया। हाँ, और ये हमारा पेटेंट का था कि ये हमने यही सारा क्लेम किया है कि इसमें फ्रिज की जरूरत नहीं होती है, और ये वॉलेटाइल नहीं है, ये 6 महीने तक स्टेबल है, और उसके बाद जो है इसको हम मतलब बारिश के मौसम में भी लगा सकते हैं, तो ये सॉल्युबल नहीं है, जब ये पानी में घुलनशील नहीं है तो ये सॉइल में भी नहीं जाता है, खाने के सामान से भी इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काम जो लोग, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो मेरे किसान भाई वगैरह हैं, जो चाहें तो वो इस पेपर को पढ़ भी सकते हैं, और हम लोगों ने ये काम जो है ये हम लोगों ने नेचर में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश किया था। और क्योंकि हम लोगों ने इंडिया से सबसे पहले मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहला काम हमारे लैब में हुआ था, तो ये एक नया तकनीक था, ये नया प्रोटोकॉल था, तो इसी वजह से ये प्रोटोकॉल एक्सचेंज करके एक जर्नल होता है, जब साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक गण वगैरह जब कोई नया काम करते हैं तो उसमें उस काम को जगह दिया जाता है, क्योंकि ये पहली बार हम लोगों ने प्रोटोकॉल सेट किया है करके ऐसा माना जाए, मतलब उसको माना माना गया, और हमें जो है वो प्रोटोकॉल एक्सचेंज में हम लोगों ने इस काम को दिखाया कि हाँ भाई और किसी ने भी नहीं किया, और पहली बार ये प्रोडक्ट और ये तकनीक को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने ये बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने फील्ड ट्रायल्स किया था। ये मक्खी होती है, इसको उत्तर प्रदेश की तरफ हड्डा करके बोलते हैं, बाकी तो साइंटिफिक नेम इसका बैक्टोसेरा डॉर्सिलिस है, आप लोगों की तरफ अलग अलग नाम होगा, कॉमन नेम तो गांव में सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इस तरह के ये प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करने के लिए, तो आप अपने एरिया के एग्रीकल्चर ऑफिसर से
पेस्ट का नाम पता करके, क्योंकि मैंने एक चीज देखा था कि मुझे बलराम संदेश से कुछ कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, लेकिन वो पेस्ट का नाम नहीं बता पाते थे। तो पेस्ट का नाम अगर आप बताएंगे तभी मतलब मैं प्रोडक्ट्स के लिए आपकी मदद कर पाऊंगी। अदरवाइज तो इंसेक्ट एक ही जैसे देखने के लिए काफी सारे एक मतलब होते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने एरिया के एग्रीकल्चर ऑफिसर से अगर पेस्ट का नाम पता करके मुझे बता दिया करें तो वो बहुत आसान होगा मुझे प्रोडक्ट देना आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने वाराणसी में ट्रायल किया था, ये हमने गुआवा पे किया था, वो मतलब अमरूद के ऊपर किया था। और आप देख सकते हैं कि ई नंबर ऑफ फोटोग्राफ में, ई वाले में आप देख सकते हैं कि कितना सारा लॉस हुआ था। ये तो मतलब कुछ फोटोग्राफ्स हम ले पाए, अदरवाइज उसका उस एरिया को, उस एरिया के काफी सारे खेत जो है वो अमरूद के बाग जो है वो इस कीड़े की वजह से पूरे नष्ट हो रहे थे। तो हम लोगों ने जब इसका ये सब हमारा साइंटिफिक रिजल्ट्स है, मतलब ये एक इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये एक इक्विपमेंट होता है, इसको टेम्परेचर कंट्रोल कहते हैं। और इसमें हम टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर्स में मतलब अलग अलग टेम्परेचर में हम अपना कंपाउंड रखते हैं और रीडिंग लेकर के हम ये देखते हैं कि कितना स्टेबिलिटी है। तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ से जिन लोगों को समझ में आएगा वो बताएंगे कि कंट्रोल जो है मतलब जो लिक्विड फिरोमोन है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, और जबकि हमारा जो सॉलिड फिरोमोन है वो आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है। और ये हमने छोटा सा जो है वो टीएलसी प्लेट में खेतों में पहले टेस्टिंग किया था, हमने सेम प्लेट जो है 1 महीने के बाद रखा और हमने देखा कि जो नैनोजेल कंपाउंड था उसमें फिर भी कीड़े आ रहे थे, और जबकि प्योर कंपाउंड जो था, जो लिक्विड फेरोमोन था जो पहले 1-2 दिन में उड़ जाता है, वो यही बात प्रूव करने के लिए हमने लगाया है इसको कि भाई सेम प्लेट लगाने के बाद भी जो है 1 महीने के बाद हमारा कंपाउंड जो है वो इफेक्टिव है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैप है ये ट्रैप बहुत ही कम पैसे का है, मतलब मैंने बताया ना जैसे आपको कि मैंने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट है। आप देख सकते हैं ये पानी के डब्बे में हम लोगों ने ये फ्रूट फ्लाइज के लिए हम लोगों ने ये बनाया था ट्रैप। वैसे अलग अलग कीड़े के लिए अलग अलग ट्रैप होता है, जैसे राइस के लिए मतलब धान की खेती के लिए अलग ट्रैप होता है, अलग तरह का डिब्बा चाहिए। उसके बाद आपका फा के लिए अलग तरह का डिब्बा चाहिए, लेकिन वो सब हम आपको जानकारी देंगे कि किसमें कौन सा लगेगा। कंपाउंड्स हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोगों ने ये कितने सारे कीड़े हम इसको पकड़ते थे और उसके बाद हम काउंटिंग करते थे। और आपको जैसे ये ग्राफ से समझ में आएगा कि लाल वाला जो कंपाउंड था वो कंट्रोल था, क्योंकि लिक्विड फेरोमोन था, वो 7वें दिन में ही खत्म हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों की टीम ने कंपाउंड बनाया है, जो नीले रंग में है, वो आप देख सकते हैं कि वो 30 दिन तक हमने ग्राफ बनाया है कि 30 दिन तक ये इफेक्टिव था। इसके बाद हम लोगों ने रीडिंग लेना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि अमरूद का सीजन खत्म हो गया था, तो फिर बाद में हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी फार्मर्स वगैरह जो है वो बोलते हैं कि दीदी आपका जो कंपाउंड है वो हम लोग दूसरे साल भी इसको यूज करते हैं और पूरे पूरे साल भी उनको लगा के रखते हैं तो वो काम कर रहा है। तो ये खेत में मतलब साल साल भर के लिए भी इफेक्टिव है। इसी तरीके से हमने दूसरे कीड़े का, ये तो मैंने आपको फ्रूट फ्लाई के बारे में बताया, बैक्टीरियोसेरा टॉर्सिलिस के बारे में बताया। इसी तरीके से दूसरा एक और कीड़ा है जिसका कि साइंटिफिक नेम होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया है, जिसको कि व्हाइट ग्रब्स कहते हैं। आपका राजस्थान की तरफ, राजस्थान में इसने बहुत सारा लॉस करके रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ये कीड़ा जो है, अच्छा इसका भी हम लोगों ने पेटेंट फाइल किया हुआ है, मेरे सारे ही प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल हम लोगों ने पेटेंट फाइल किया हुआ है उसका। मैं आपको ये फोटो में दिखाना चाहूंगी कि एक सेकंड, हाँ मैं आपको ये फोटो में दिखाना चाहूंगी कि ये जो कीड़ा है आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट ग्रब्स बोलते हैं, साइंटिफिक नाम इसका होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया है, ये जो है आपका किस तरीके से मिट्टी में इसके लार्वा होते हैं, और इसका थर्ड इंस्टार इतना खतरनाक होता है कि कुछ भी ये मिट्टी में उगने ही नहीं देता है, चाहे वो ग्राउंड नट हो, चाहे वो मूंगफली हो राजस्थान की तरफ, या कुछ भी वो लोग लगाते थे तो उसका पूरा मतलब लॉस जाता था। और लॉस भी होता था तो ये नहीं कि 10% 20% लॉस हो रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा खेत ही ऐसा लगता था जैसे किसी ने जला दिया है, मतलब कुछ क्रॉप उगने ही नहीं देता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी फार्मर्स वैसे तो पेस्टिसाइड ही यूज कर रहे थे, लेकिन पेस्टिसाइड्स का भी ड्रॉबैक ये है कि
इतने सालों से जब ये यूज हो रहा है, तो ये जो कीड़े हैं ये उस पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो गए हैं, तो हर साल वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं कि थोड़ा और मात्रा में डाल देते हैं कि मर जाएंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक तो है कि पेस्टिसाइड का ही ड्रॉबैक है, दूसरा है कि उसका रेजिस्टेंस होने की वजह से ये कीड़े भी मर नहीं रहे हैं उस पेस्टिसाइड वगैरह से। तो हम लोगों ने क्या किया, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसा मैंने बताया है कि बहुत नुकसान, चाहे वो पोटैटो का हो वहां पर खेती हो, चाहे पोटैटो ट्यूबर्स की खेती हो, चाहे आपके ये जिंजर की खेती हो, मतलब अदरक की खेती वो लोग करें, तो बेसिकली हाँ। तो मैं इसमें यही बताना चाहूंगी कि तो फिर हमने क्या किया है कि पहले ये लोग क्या करते थे कि मिथॉक्सी बेंजीन करके एक फेरोमोन है इसका, उसका मैंने जैसे आपको बताया है कि वो तो पूरे दिन भी नहीं रुकता था, 15 से 20 मिनट में ही, ये इतने हाईली वोलेटाइल होते हैं कि 15 से 20 मिनट में ही ये खत्म हो जाते हैं। और ब्यूटी देखिए, मतलब इस कीड़े की खूबसूरती देखिए कि ये कीड़ा कब एडल्ट स्टेज में निकलता है। हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो ये फेरोमोन वगैरह हैं, इससे हम एडल्ट स्टेज में ही वो कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जब कीड़े जो है मादा और नर के रूप में आ जाते हैं, अगर ये छोटा लार्वा है तो लार्वा में हम फेरोमोन्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसे मतलब नर और मादा एडल्ट स्टेज में आना पड़ता है। तो इसका मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो व्हाइट ग्रब्स था, जो राजस्थान की तरफ ये रोटरी के कौनसन गुनिया जो ये कीड़ा था, उसका बायोलॉजिकल इतना ब्यूटीफुल है कि शाम के टाइम जब बारिश होती है, ये पहली बारिश होती है जून के महीने में ऑलमोस्ट ऑल, तो पहली बारिश में ये शाम के 7 बजे के आसपास इसके एडल्ट जमीन से निकलते हैं, और शाम निकलने के बाद 7 बजे के बाद निकलते हैं, और उसके बाद वो मतलब आसपास के पेड़ों पे बैठ करके मीटिंग करके, और फिर वो बच्चे वहां पे खेतों में दे देते हैं। तो ये इसका बायोलॉजिकल साइकिल था। अब अगर इसका बायोलॉजिकल साइकिल तोड़ना है तो इसका आपको, सॉरी, सेपरेशंस, 1 मिनट, मेरा गलती से स्लाइड जो है वो बहुत आगे चला गया। एक मिनट का मुझे समय दें, एक्चुअली हाँ जी, हाँ ये जी, कोई काफी समय आगे नहीं है, चला हाँ गया। कोई बात नहीं, मैम, इट्स ओके, इट्स ओके मैम। हाँ मैं यहाँ पर थी। जी जी तो इसमें ये शाम के 7 बजे ये एडल्ट इसमें से इमर्ज होते हैं, और ये आसपास के पेड़ों में जाकर के मल्टीप्लाई करके, और फिर वो वहां पे मिट्टी में बच्चे दे देते हैं। तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके एडल्ट स्टेज को शाम को ही पकड़ना पकड़ना पड़ता था, और चूंकि इसका फेरोमोन 15 से 20 मिनट में ही उड़ जाता है, तो फार्मर्स को जो है वो शाम के टाइम खेतों में जाना पड़ता था जहां पर की लाइट नहीं है, और उनकी पगडंडियों पे, मैंने खुद ये फील्ड ट्रायल्स किया वहां जाके जयपुर में, तो पगडंडियों में रात के टाइम अंधेरे में लौटों में जाना पड़ता था। चलिए हम लोग तो फिर भी कम से कम टॉर्च सब मतलब ग्रुप में रहा करते थे, तो ग्रुप में होकर के जाते थे। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हाँ जी, जी, क्लियर हाँ है मैम, हेलो, क्लियर आप मैम, प्लीज क्लियर प्रोसीड है मैम, करें, बहुत 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 ही क्लियर अच्छा है चल रहा है मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, जी। कंटिन्यू मैम, थैंक यू। चल रहा था एक्चुअली। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने खुद जाकर के ट्रायल्स किया, तो मैंने देखा कि खेतों में जाना बहुत मुश्किल होता है रात के टाइम पे, तो हम लोगों ने इसका जो है वो प्रोडक्ट बनाया। और जो पुराना वाला मेथोडोलॉजी, पहले मैं वो दिखाना चाहूंगी कि लोग क्या करते थे, वो शाम को 7-8 बजे रात को जाते थे फील्ड में, और उसके बाद जो है ये फोम में जो है वो मिथॉक्सी बेंजीन जो लिक्विड होता है वो लिक्विड डालते थे, और वैसे तो इसका रिकमेंडेशन 4 ml था, लेकिन जल्दी जल्दी में किसी में 8 ml गिराते थे, किसी में 20 ml गिराते थे, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट भी जो है वो, पैसा भी जो है वो बढ़ता चला जाता था। और उसके बाद तो 15-20 मिनट में ही वो खत्म हो जाता था, 15-20 मिनट में जितने एडल्ट पकड़ में आए आए, और नहीं तो वो सारे फिर मल्टीप्लाई करके फिर वो बच्चे जो है खेतों में दे देते थे, तो क्रॉप लॉस फिर से कंटिन्यू होता था। अच्छा दूसरा जो मेथड था वो क्या करते थे कि पेस्टिसाइड जो है वो पेड़ों के ऊपर ये लोग स्प्रे कर देते थे,
और ये फॉर्म जो है वो पेड़ों के ऊपर यहाँ पर लगा दिया करते थे। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये लोग फॉर्म लगाते थे। और वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि इसका ड्रॉबैक यही था कि रात के टाइम पे ही 8-9 बजे जा करके तुरंत उसको उढ़ेलना पड़ता था। और मतलब अगर किसी का 1 एकड़ का खेत अगर है तो कम से कम 7-8 लोग चाहिए होते थे कि हर कॉर्नर में जाकर के जो है वो इस तरीके का फॉर्म डाल डाल के वो चारों तरफ डब्बे में या मतलब पेड़ के ऊपर लटका है, तब जाकर के कीड़े पकड़ में आते थे। तो ये बहुत ही इसका ड्रॉबैक था, मतलब बहुत ही नुकसान होता था। तो हम लोगों ने इसको क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो लिक्विड है एनिसोल, इसको हम लोगों ने फिर से सॉलिड फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। और ये इतना अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, बल्कि इसका अभी हम लोगों ने फोल्डर भी पब्लिश किया है। मैं बलराम संदेश के ग्रुप में फोल्डर वो कल कल भेज दूंगी आप लोगों के पास। हाँ, तो वो फोल्डर भी हम लोगों ने मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइजेशन हो इस प्रोडक्ट का, इस वजह से हम लोगों ने बनाया है उसको। तो जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो फार्मर्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। उसे अब शाम के टाइम जाने की, रात के टाइम बारिश में खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सुबह के टाइम ही वो डब्बे में जो है वो इसको ये केमिकल स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने इसमें केमिस्ट्री रोल केमिकल्स बनाया था, तो वो जो है शाम के टाइम ही जो है वो डब्बे में जो है वो मतलब मॉर्निंग के टाइम भी, सुबह के टाइम ही जो है वो इसको डब्बे में लगा दे और उसके बाद आराम से 3 महीने 6 महीने तक भूल जाए। बस खाली जाकर के उसको कीड़े जितने दिखाई दे रहे हैं अगर उसको है तो उठा करके वो उन कीड़ों को मतलब फेंक दे, बस इतना ही काम रहता है उसमें। तो इसकी वजह से बहुत सारे राजस्थान के फार्मर्स का को मदद मिली है। और इस साल हम लोगों ने मोर देन 10,000 के आसपास सैंपल्स उन लोगों को सप्लाई किया था। 3 तो कंपनी वालों ने खरीदा था और बाकी हम लोगों ने फार्मर्स वगैरह को दिया था। तो ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है और ये कीड़ा है का दिखता है होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने, इसीलिए मैंने इस लेक्चर का टाइटल भी लैब टू मार्केट दिया है कि ये प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी में ही नहीं है और ये सारे फार्मर्स तक पहुंच चुके हैं। ये सब हम लोग अपना साइंटिफिक ये करते हैं कि जैसे हम लोग रियोलॉजी स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि ये जो सॉलिड में हम लिक्विड को जो सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये मजबूत है या इसके और मजबूती की जरूरत है, ये कितने टेम्परेचर तक सस्टेन करेगा। तो ये सब पढ़ने के लिए हम रियोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो ये सारे एम्पलीट्यूड स्वीप एक्सपेरिमेंट्स, ये सब सब रियोलॉजी के स्टडीज हैं। फ्रीक्वेंसी स्वीप एक्सपेरिमेंट्स, स्ट्रिक्सोट्रॉपिक लूप, किस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, ये सब स्टडी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर स्टडी हम लोग करते हैं जैसे 22 डिग्री पे, 27 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और मैंने आपको बताया कि सारे ही प्रोडक्ट 45 डिग्री से ज्यादा के पे ही मतलब सक्सेसफुल है। मतलब आप राजस्थान की गर्मी में भी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। और ये सारा हमारा SEM है कि किस तरीके का दिखता है प्रोडक्ट। और ये जो है जो हमने मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रोडक्ट फार्मर्स को देने से पहले हम लोगों ने उदयपुर में मतलब महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वहां पर इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया था। और दूसरा हमने रारी जयपुर में किया था, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म है वहां पर किया था हम लोगों ने। और ये सब तो एक्सपेरिमेंट्स का वो है, कैलकुलेशन है कि RBD में किया है और ये सब हमारा साइंटिफिक है। आप लोगों के लिए तो यही जानकारी अच्छी है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है करके। ये सब हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ये शो करने के लिए कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है और कितने कीड़े एक ट्रैप में पकड़े जा सकते हैं। और ये सब वही मीन नंबर है कि हाँ एक ट्रैप में जो है कम से कम जो है वो 6 के आसपास, 15 मीटर पे अगर हम रखते हैं तो इतने आते हैं, 15 मीटर से कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो इतने कीड़े आते हैं। ये सब हमारा साइंटिफिक डेटा है। लेकिन जो सक्सेसफुल है वो हमें 15 मीटर पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही स्लो रिलीज फेरोमोन फॉर्मुलेशन है, मतलब स्लो डिलीवरी होता है सेम्यूकेमिकल्स का, इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में घुलनशील नहीं है, जिसकी वजह से आप बारिश के मौसम में भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद इसको किसी भी चीज का कंटेमिनेशन भी नहीं होता है। जनरली लोग नैनो टेक्नोलॉजी कहने पे वो घबरा जाते हैं कि हाँ ये नैनो फॉर्मुलेशंस हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। देखिए बाकी फील्ड के बारे में तो डेफिनेटली नैनो फर्टिलाइजर वगैरह तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है सॉइल वगैरह के, लेकिन ये जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है, जो नैनो जेल्स है, ये आपका ना तो खाने में, ना पानी में और ना ही सॉइल में, मिट्टी में, तीनों में से किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, इसी वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग द नैनोजेल इन एनी सीजन, मतलब किसी भी सीजन में आप यूज कर सकते हैं, बहुत गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, सर्दी में भी यूज कर सकते हैं,
और इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जो है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सपोर्ट करता है, और मैंने काफी दिया भी है लोगों को और अभी दे भी रही हूँ। और हाँ, ये प्रोडक्ट रीयूजेबल है, आपका जब एक बार जब फेरोमोन खत्म हो जाए उसमें जो भी कंपाउंड बचा है वो आप लेकर के अगर वापस हमें डिस्पैच कर दें तो हम आपको फिर से बना करके दे सकते हैं। तो ये सारा ही जो है जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारे रीयूजेबल कंपाउंड है, मतलब आपको फेंकने की भी जरूरत नहीं है इसको। तो कमर्शियल स्टेटस मैंने आपको बता दिया है कि हाँ लैब से मार्केट में ये पहुंच चुका है, और कुछ सैंपल का कॉस्ट है 10 रुपीज पर सैंपल है, कुछ सैंपल 30 रुपए पर सैंपल है, मतलब अलग अलग पेस्ट के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग रेट है। आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने 500 सैंपल कहीं मैंने हरी एग्रोटेक करके एक इंडस्ट्री है उनको दिया था। उसके बाद जो है ये दूसरा हम लोगों ने एग्रो जेल बनाया है, ये भी रीयूजेबल चार्ज ट्रांसफर जेल है। ये हमारे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि मतलब हाँ एक जगह हमने एरोमेटिक पाइपाइन इंट्रैक्शन से बनाया है तो दूसरी जगह हमने दूसरी तकनीक यूज की है, दैट इज चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें भी हमने शुगर केन पेस्ट के लिए बनाया है कंपाउंड, और एक आप देख सकते हैं कि ये भी शुगर केन पेस्ट, शुगर केन में जो कीड़ा लगता है उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है। उसका जो केमिकल था वो R2-butanol था, वो भी बहुत जल्दी उड़ जाता है तो उसको भी हमने सॉलिड में कन्वर्ट किया। और दूसरा हमने कॉफी बेरी बोरर के लिए बनाया। आप लोगों को पता है कि मैं बैंगलोर में पोस्टेड हूँ, तो बैंगलोर में कुर्ग करके एक एरिया है, वहां पर कॉफी का बहुत प्लांटेशन होता है और उसमें काफी सारे पेस्ट आते हैं, तो उसका कॉफी बेरी बोरर एक पेस्ट है, उसके लिए भी हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट हम लोगों को जब ये सक्सेसफुल हो गया था एग्रीकल्चर के फील्ड में तो फॉरेस्ट वालों ने हम लोगों को कांटेक्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या मैडम आप ये फॉरेस्ट के लिए भी दे सकती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में भी काफी पेस्ट होते हैं, काफी वुड पेस्ट और ये सब सब है। तो उन्होंने बोला कि मैडम फॉरेस्ट में भी बार बार जाके ट्रैप चेंज करना तो आसान नहीं होता है, और फॉरेस्ट में हम पेस्टिसाइड वगैरह तो बिल्कुल स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपके कंपाउंड के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे नया जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो फॉरेस्ट फील्ड के लिए चल रहा है, और उसको भी हम लोगों ने कंपाउंड दिया है। उनके फॉरेस्ट में एक पेस्ट होता है लिक्टस करके, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लिस्ट मैंने साइंटिफिक नेम के साथ लिया है, जैसे 19 कंपाउंड्स मैं अभी दिखा रही हूँ, बट हम लोगों ने और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए हैं, और जैसे बैक्टेरोसेरा डॉर्सिलिस का मैंने उदाहरण दिया आपको, हेलिकोवर पारमिजेरा आपका कॉटन में आता है, सिल्फोफागा इंसर्टुलस जो है वो आपका धान की खेती में लगता है, ल्यूसिनोडस ऑर्गेनेलिस ये बैगन की खेती में है, तो होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया व्हाइट ग्रब्स मैंने बताया वो तो मिट्टी में है तो राजस्थान के काफी सारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरीके से मस्का डोमेस्टिका के लिए भी हम लोगों ने किया है, कुछ कुछ हमने एनिमल पेस्ट के लिए भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए हैं। तो ये हम लोगों ने सारा जो है वो लिस्ट जस्ट एक शॉर्ट लिस्ट में लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हेलिकोवर पारमिजेरा के लिए भी किस तरीके से ये सॉलिड कंपाउंड है। ये बॉटल उल्टा करके दिखाने का यही मतलब है कि हाँ भाई हमने जो लिक्विड था उसको हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे आप देख सकते हैं सिल्फोफागा इंसर्टुलस का मतलब जो राइस पेस्ट का है, और उसके बाद लिनालू जो है वो अट्रैक्टिन की तरह से यूज करता है पैरासिटॉइड के लिए, तो हम लोगों ने उसके लिए भी कंपाउंड बनाया हुआ है। मैंने आपको जैसा बताया कि हमने कॉफी बेरी ये ऑरेंज वाला कंपाउंड कॉफी के बागान के लिए बनाया था हम लोगों ने, और ये व्हाइट ग्रब्स के लिए हम लोगों ने ये बनाया है होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया के लिए, और कॉफी बेरी बोरर के लिए भी ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सेल किया है इसको। इंडस्ट्रियल वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है, जस्ट ये मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहती हूँ, ये वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है और ये अभी प्रोसेस में है। अभी हम मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है DBT का, ड्रोन के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि खेत में जाकर के सिर्फ सेंसर को लगाने से वो ब्रीडिंग वगैरह लेने के लिए हमें काफी मुश्किल हो रही थी, तो हमने सोचा अगर हम इसको ड्रोन से कनेक्ट कर दें तो ड्रोन बता देगा कि हाँ भाई पर्टिकुलरली किस एरिया में सेंसर जो है वो रीडिंग दे रहा है पेस्ट के लिए, और इसको हम वायरलेस से भी कनेक्ट करना चाहते हैं और उसका एक मोबाइल ऐप की तरह बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा अभी काम चल ही रहा है, और चूंकि थोड़ा आपको पता है कि इंडिया में लेबोरेटरी फैसिलिटी और थोड़ा सा मतलब स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन फिर भी हमने इसका काम को जो पहला स्टेप होता है
वो काफी अच्छे तरीके से किया, इसका इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी, मतलब प्रोडक्ट भी बनाया हम लोगों ने, इंटरनेशनल पेटेंट भी किया इसका, कि ये एक नया तकनीक है जिसको कि हम इंडियंस ने मतलब ये किया है, रिसर्च किया है करके। और ये जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने बनाया था, ये हेलिकोवर्पा आर्मी जीरा के लिए बनाया है। इसमें क्या है कि जैसे अभी हमारे किसान भाई पूरे खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो बजाय पूरे खेतों में स्प्रे करने के, अगर ये सेंसर हम एक पर एकड़ में अगर 8 सेंसर लगाते हैं, तो उससे होता क्या है कि पर्टिकुलरली XYZ कोऑर्डिनेट मिलता है, हमें पता चलता है कि किस जगह पे वो पेस्ट का इन्फेस्टेशन है, किस जगह पे पेस्ट ने अंडे दिए हैं, या किस जगह पे पेस्ट का इन्फेस्टेशन है। उसकी वजह से क्या होता है, बजाय पूरे खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करने के, सिर्फ उतनी एरिया में अगर स्प्रे करेंगे तो वो पेस्ट का कंट्रोल वहीं पर हो जाएगा और मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ये हम लोगों ने इस फिनोमिना के साथ बनाया था और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा, और इसका भी हम लोग मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं, ये सब तो सारा साइंटिफिक है, ये तो आप लोग खेतों में देखते ही होंगे कि किस तरह के कीड़े हैं, क्या है। तो ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। उसका हमने दिखाया है कि पहले हमको GCMS से करना पड़ता था, तो सैंपल पूरा हमें लेबोरेटरी में लाना पड़ता था, जो कि बहुत ही मुश्किल है, मतलब फील्ड से सैंपल लेबोरेटरी तक लेकर के आना टेस्टिंग करने के लिए। और दूसरा तरीका जो था, जो फील्ड में पोर्टेबल EAG की कुछ साइंटिस्ट ने बनाया था, तो वो भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने बताया कि आपको लाइव कल्चर मेंटेन करना पड़ता है, मतलब बेस्ट खेत में हो ना हो, आपको उसको घर में दाना अनाज पानी दे करके सब पालना पड़ता है, जो कि एक लॉस है, उससे बेनिफिट नहीं होता है। और जो जापानी साइंटिस्ट था, उसने खेतों में कैमरा लगाया था, जगह जगह खेतों में उसने कैमरा लगाया, ये देखने के लिए कि यहाँ पे कहाँ पर पेस्ट का इन्फेस्टेशन है। लेकिन ये कैमरा टेक्नोलॉजी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है बारिश वगैरह में कैमरा इतना ठीक से काम नहीं करता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये नैनो सेंसर बनाया है। ये नैनो सेंसर जो है, अगर आप इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब एक इंजीनियर की निगाह से देखेंगे, तो ये हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेस्ड कैंटिलीवर्स बनाया है, जो कि खाली फ्रिक्वेंसी चेंज के बेसिस पे रीडिंग देता है, और जैसे ही कोई भी कीड़ा आसपास से निकलता है, उसका केमिकल जो है वो हमारे सेंसर के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ, तो जैसे हम लोग कहीं मॉल जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो क्या होता है, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आप अगर एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तो उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और नहीं तो आप अगर मॉल जाते हैं, तो क्या होता है, वो अपने आप दरवाजा ओपन हो जाता है। तो वो सारे सेंसर ऑप्टिकल सेंसर है, जो कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमंस के लिए वो रेस डालता है, और वो रेस पे अगर हिट कर रहा है, और अगर उसका रेस पास ऑन नहीं हो रहा है, तो डोर ओपन हो जाता है। तो ये टेक्निक है उसमें। लेकिन जो ह्यूमन के लिए जो जो ये दुकानों के दरवाजे खुलते हैं ऑटोमेटिक, इसका जो ऑप्टिकल सेंसर है, ये दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ये दीपा मैडम और देवेंद्र सर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री वाइज क्या किया, उस सेंसर को इस तरीके से केमिकली एक्टिवेट किया है, जिससे कि क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर पेस्ट है, जैसे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, अगर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा आसपास भी उसकी कोई फीमेल है, तो उसका फेरोमोन्स उसके केमिकल्स कैच करके वो रीडिंग दे देता है कि हाँ, ये इस एरिया में, यहाँ पर ये फीमेल पेस्ट है। कैंटिलीवर्स उसके अंदर के पार्ट्स देखने में इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका बीम जो है, इसके ऊपर हम लोगों ने, आप जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली सेंसर का एक पार्ट है, जिसके ऊपर के हमने पूरे केमिकल रिएक्शंस कर रखे हैं। और वो जो केमिकल रिएक्शन किया है, वो भी हम लोगों ने पहली बार इंडिया में हम लोगों ने ही किया है, जिसकी वजह से उसका भी हमें इंटरनेशनल पेटेंट मिला। ये काम को हमने, उसका कुछ पार्ट ऑफ द काम को हम लोगों ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स नेचर में पब्लिश किया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग और ज्यादा जानना चाहते हैं, वो इस पेपर को पढ़ सकते हैं। और ये सारा हमारा केमिस्ट्री है, कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस में। और आपको पता है, ये जो हम लोगों ने सेंसर बनाया है, ये इतना सेंसिटिव है, ये इतना अच्छा है, कि एक फीमेल जो है वो नैनोग्राम में कंपाउंड रिलीज करती है, मतलब फेरोमोन रिलीज करती है। लेकिन ये जो हमारा सेंसर है, ये आपका फेम्टोग्राम में रीडिंग लेता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर एक भी इंसेक्ट अगर उस एरिया में है, तो वो सेंसर की निगाह से बच नहीं सकते, और सेंसर जरूर से रीडिंग देगा कि हाँ, यहाँ पर पेस्ट है, मतलब फॉल्स रीडिंग इसमें पॉसिबल ही नहीं है।
ये हम लोगों ने लैबोरेटरी में टेस्टिंग किया था उस सेंसर्स का, और हम लोगों ने देखा कि हाँ ये काफी सक्सेसफुल है, काफी अच्छा हम लोगों ने पब्लिश भी किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने विदेशों में भी इसका पेटेंट फाइल किया है और कुछ पोर्शन इसका पब्लिश भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल रिजोनेंट मास सेंसर्स हैं, ये हमारे केमिस्ट्री जो हमने कोवेलेंटली फंक्शनलाइज किया है इसको, फेमटोग्राम लेवल में ये इसकी रीडिंग देता है। और ओपन एटमॉस्फेयर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बहुत इजी है। और जैसा मैंने बताया कि ये सेंसर्स का यही काम है कि बजाय पूरे खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करने के, सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया में स्प्रे करने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये अपने आप ही कॉस्ट भी जो है पेस्टिसाइड की वो रिड्यूस कर देता है। ये सब हमारा साइंटिफिक है कि हमने क्या क्या इक्विपमेंट्स हमने यूज किए इस रिजल्ट को पाने के लिए। जैसे एक्सपीएस है, मल्टीटॉप सिम्स है, ये सिम्स जो है ये सिर्फ आपके आईआईटी मुंबई में ही है। मतलब आप सोचिए कि पूरे पूरे इंडिया में सिर्फ एक एक जगह ही इक्विपमेंट था और हम लोगों ने सब जगह ट्रैवल करके उस काम को कंप्लीट किया। ये जो है आपका जस्ट हमने पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है कि ये सेंसर है और सेंसर में जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो वो मतलब कोई भी पेस्ट अगर आसपास रहता है तो रीडिंग नहीं देता है। और आप देख सकते हैं कि ये वाले सेंसर्स में हमने ये जो ब्लू कलर से दिखाया है, ये पूरा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन किया है, तो जिसकी वजह से एक भी फेरोमोन मॉलिक्यूल अगर पेस्ट का होता है, ये हम लोग बेसिकली बेसिकली हमने हेलिकोवर पर आर्मीजेरा का किया है जो कि ये टमाटो के ऊपर बहुत सारा नुकसान करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसके साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद तुरंत रीडिंग देना स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका काफी सारा हम लोगों ने पेटेंट और ये सब सब किया हुआ है, और ये काम को हमारा साउथ एशिया बायोसेफ्टी प्रोग्राम में भी हम लोगों ने इसको पब्लिश किया था। और दूसरा हमने इसी में प्रोडक्ट बनाया है कैप्टोसेरा ओलियाई के लिए, जो कि ओलिव के जो ऑयल होता है ना उसमें ये पेस्ट आता है। बेसिकली ओलिव ऑयल इंडिया में तो इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, राजस्थान के साइड अभी मैंने सुना है कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा विदेशों में होता है। लेकिन तब भी हमने वहां के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाया था, और ये काम को भी हमने बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश किया है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 16 है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से दिखाई देता है सेंसर्स। ये सब हमारा पिक्टोरियल फॉर्म है वही कि किस तरीके से हम लोग रिजल्ट तक पहुंचे हैं। और ये भी आपको जैसा मैंने बताया कि बायोसेंसर्स एंड बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एक जर्नल है, वो जर्नल में हम लोगों ने हमारा काम ये पब्लिश किया और बहुत अच्छा जर्नल है। और इस काम को हम लोग और आगे ले जाएंगे, लेकिन चूंकि अब आप समझ सकते हैं हम लोग भारत में हैं तो उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, फिर भी धीरे 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 हम काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस काम के लिए मुझे ये सेंसस बनाने के लिए मुझे राष्ट्रपति भवन उसका अवार्ड भी मिला हुआ है, गांधी एंड गेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। और ये इस तरह का ये जो सेंसर्स हैं आप देख सकते हैं, ये इस तरह के डब्बे में रख करके हम लोगों ने फील्ड ट्रायल्स किया था इसका। हाँ, ये सारा वही कमर्शियलाइजेशन पोटेंशियल है कि हाँ ये क्यों हम इसको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे खेतों में जो है पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और जो हमने दूसरा सेंसर बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया है कि वायरस बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा एमपीवी यूज करते हैं। आप पता नहीं मेरे किसान भाई, मतलब आप लोग कितना यूज उसका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एमपीवी वायरस करके एक है, वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए है। स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा का कमर्शियल मतलब कई कंपनी इसका प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। उसके बाद एक और क्या है, स्पाइलोसोमा ऑब्लिगुआ करके एक पेस्ट है, उसके लिए इसका है। तो ये वायरस में क्या होता था, ये तीसरा प्रोडक्ट है मेरे रिसर्च का। इस वायरस में क्या होता था कि मतलब किसान भाई जो है वो स्प्रे कर देते थे, और कभी कभी क्या होता था ये वायरस एक्टिव नहीं होता था। मतलब ये जो सॉल्यूशन स्प्रे कर रहे हैं उसमें ही वायरस काम नहीं कर रहा है, मतलब वायरस नहीं है या वायरस मरा हुआ है, तो वो किसान भाइयों को पता नहीं चलता है। तो वो जो स्प्रे कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि फिर भी पेस्ट आ रहा है और है, तो उनको पता चलता था कि हाँ भाई जो उन्होंने नहीं है, मतलब कि वो काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पेपर बेस्ड सेंसर बनाया है। पेपर बेस्ड सेंसर मतलब कि जैसे ही आप उस डब्बे में डालेंगे तो अगर वायरस एक्टिव है तो वो उसका कलर चेंज कर देता है। जैसे किसी में ग्रीन कलर कर देता है, किसी में वो ऑरेंज कलर कर देता है, किसी में ब्लू कलर कर देता है। तो इस तरीके से तीन वायरस का हमने तीन प्रोडक्ट बनाया है।
तो ये भी काम हमने बहुत अच्छे से पब्लिश किया है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसको। ACS सस्टेनेबल केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग एक जर्नल है, उसमें हम लोगों ने इस काम को पब्लिश किया। और जस्ट एक शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूंगी, हाँ ये देखिए ये क्या होता है कि ये एनपीवी का ये तो ये है किस तरीके से एनपीवी काम करता है, कि वो जो है पेस्ट के गट में जा करके, और वो वायरस की वजह से, देखिए ह्यूमन में तो, इंसानों में तो हम चाहते हैं कि COVID-19 ना आए, लेकिन अगर वही पेस्ट है, मान लीजिए अगर वही कीड़ा है, तो हम चाहेंगे कि वो उसमें वो वायरस चला जाए जिसकी वजह से वो मर जाए। तो COVID-19 में एक उदाहरण दे रही हूँ, इसी तरीके से पेस्ट में भी वायरस होता है जिसको कि एनपीवी बोलते हैं। तो वो एनपीवी का सॉल्यूशन बना करके बेसिकली स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे करने के बाद पता चलता है कि ये काम का है या नहीं है। हम लोगों ने जो सेंसर बनाया है वो स्प्रे करने के पहले ही वो कलर चेंज से देख करके बता सकता है कि हाँ भाई ये काम करता है। तो ये भी, इसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छा है रिसर्च किया है, और काफी सारा इसका देखा है कि हाँ 2.82 × 10³ PIV/mL पे भी ये रीडिंग देता है, मतलब बिल्कुल कम पे भी ये रीडिंग देता है। ये सारा केमिस्ट्री पार्ट है कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो माइनस देख रहे हैं, ये उसके वायरस के ऊपर माइनस पार्टिकल होता है, जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल बनाया है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से जो है ये कलर चेंज रिएक्शन होता है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर कुछ कुछ में क्या होता है कि जैसे ब्लू कलर है वो आप देख सकते हैं कि फ्लोरेसेंस जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, कुछ में जो है वो येलो कलर का दिखाई देगा, जैसे इस केस में हम लोगों का ब्लू कलर का, जैसे अगर HANPV है तो आपका वो ब्लू कलर जो है वो खत्म हो जाता है, और बाकी के केस में क्या है वो ब्लू कलर दिखा रहा है। मतलब जैसे ब्लू कलर का हमने कंपाउंड बनाया, अगर वो एनपीवी है, अगर वायरस है तो एक्टिव है, तो वो ब्लू कलर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई वायरस एक्टिव है। तो ये सारा हमने बहुत सारी सब्जियों, बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारे खाने के सामान के ऊपर हम लोगों ने टेस्टिंग किया है इसका, और देखा कि ये पेपर बेस्ड, मतलब ये 50 पैसा, इस पेपर का कॉस्ट 50 पैसा पर वो है, मतलब एक पेपर का स्ट्रिप जो है वो 50 पैसे का कॉस्ट पड़ता है। तो इसी में हमने, जैसे मैंने बताया, स्कोडोप्टरा लिट्यूरा का भी इसी तरीके का हम लोगों ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि इस केस में क्या है कि हम लोगों ने ये जो कलर है वो हल्के हले हरे कलर का हो जाता है। अलग अलग वायरस अलग अलग रिएक्शन देता है, और अलग अलग कलर उसके बारे में होता है। जैसे स्पाइलोसोमा और रिगुआ का भी हमने बनाया है, मैंने बताया कि हमने 3 तरह के, इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये फ्लोरोसेंट ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये बहुत आसान है, मतलब जरूरी नहीं, फार्मर्स इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। तो ये हम लोगों ने दूसरा प्रोडक्ट बनाया था यूरिया के लिए, कि यूरिया आपका ज्यादा है या कम है या किस तरीके से नापना है, तो ये भी पेपर बेस्ड सेंसर की तरह से आप देख सकते हैं, मतलब यूज करके आप देख सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने ऑक्जेलेट सेंसर बनाया है, क्योंकि अगर आपको पता है बहुत सारे खाने में, सामान में ऑक्जेलेट की कम, मतलब मात्रा अगर ज्यादा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसका साइड इफेक्ट बहुत है, वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हम लोगों ने ऑक्जेलेट सेंसर भी बनाया है, जो कि आप मतलब उसको प्लांट्स में चेक कर सकते हैं। और इसी तरह पेस्टिसाइड सेंसर भी बनाया हम लोगों ने, कि अगर किसी चीज में हर्बिसाइड्स हैं या उसके अंदर जो है, जैसे पैराक्विट और डायक्विट के लिए, ये जो पर्टिकुलर है काम हमने पैराक्विट के लिए बनाया है, तो पैराक्विट और डायक्विट अगर प्रेजेंट है तो वो आपका जो सेंसर है वो रेड रेड लाइट एमिटिंग पेपर बेस्ड है, ये भी कागज 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 पे ही ये सेंसर है, आप समझ लीजिए। उस कागज को जस्ट आप डिप करेंगे, और अगर पेस्टिसाइड प्रेजेंट है उस खाने के सामान में, तो वो लाल कलर में चेंज कर देता है। और हम लोगों ने जो बनाया है वो नैनो फर्टिलाइजर है, मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर को भी अगर नैनो फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें, तो जो अभी हम यूज कर रहे हैं मान लीजिए 10 kg, तो हमें सिर्फ 2 kg यूज करना सफिशियंट होगा, तो इसकी वजह से क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है, ये नैनो फर्टिलाइजर का। और नैनो फर्टिलाइजर का प्रोडक्ट इफको वाले तो सेल भी करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह नैनो फर्टिलाइजर में हम लोग एक और बनाया है काइटोसैन बेस्ड, तो ये मीन्स की, मतलब ये मक्के की खेती के लिए बनाया था, पहला वाला बीट की खेती के लिए बनाया है।
इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगी और सेशन ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। हाँ, ये मेरे सारे गुरु हैं, प्रोफेसर शांतनु भट्टाचार्य सर, प्रोफेसर रुद्र प्रताप सर और डॉक्टर परीक्षित मोहित्रा, मेरा मेरा तो नहीं मतलब, लेकिन हमारे पूरे प्रोफेसर शांतनु भट्टाचार्य सर का स्टूडेंट था जो कि अभी यूएसए चला गया है, क्योंकि यंग जनरेशन है तो डेफिनेटली वो इस चीज को समझ जाते हैं कि इंडिया में उतनी फैसिलिटी नहीं है तो वो यूएस वगैरह मूव आउट कर जाते हैं। तो अभी ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। ऐसे इसके बेचारे की फील्ड बदल गई है, ये एग्रीकल्चर से मेडिकल में गया है क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों का बेनिफिट है कि हम मेडिकल से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से मेडिकल में जाना आना कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी और आप लोगों से आग्रह करूंगी कि अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप बाद में भी मुझे फोन कर सकते हैं, बाद में भी मेल भेज सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एक बहुत विस्तृत जानकारी जो आपने इतना बड़ा रिसर्च पीरियड निकाला है नैनो के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम किसान भाई बहुत कुछ समझ पाए, बहुत कुछ जान पाए कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने कुछ जानने की जरूरत है। मैं अब सेशन खोल रहा हूँ प्रश्न उत्तर के लिए, अगर जो किसान भाई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं अपना हैंड रेस करें, और मेरी एडमिन टीम से निवेदन है कि वो चैट बॉक्स से भी अपन प्रश्न लेते आएंगे। अभी बीडी अर्जरिया जी पूछना चाहते हैं, उनका हैंड रेज हुआ है। अर्जरिया जी, आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, धन्यवाद बीडी अर्जरिया जी। जी मैडम जी नमस्कार। हेलो मैडम जी, मेरा नमस्कार, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आपने जो जानकारी दी है वो काफी अच्छी जानकारी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह जानकारी किसानों की फील्ड पर पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लिए आपके इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी सुविधा है जहां पे किसान भाई संपर्क करके अपनी समस्याओं का जैविक समाधान कर सके? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे ये मेल, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बलराम संदेश में देवेंद्र सर को मेल लिखिए, आपका मेल जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे और मैं उसको ऑफिशियली टेकअप कर लूंगी। देखिए सबसे बड़ी क्या बात है कि मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं हूँ सर, आप समझ सकते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, और ये बात मेरे ख्याल से देवेंद्र सर और शुभम सर ये सब ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि शुभम जी ने जब मुझे 2 दिन पहले बोला, 2 दिन नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले बोला था कि मैडम आज शाम को आपको लेक्चर देना है, आपको शाम को आपको बताना है लोगों को, सारे फार्मर्स को, किसान भाइयों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने उनको यही कहा आज शाम को, भाई दिन भर में मुझे ऑफिस से परमिशन नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज गिव मी एटलीस्ट, मतलब मुझे कम से कम 2 से 4-5 दिन का समय दीजिए। तो क्या होता है, देखिए सरकारी नियमों का उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनका पालन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप ऐसा कीजिए कि देवेंद्र भाई को आप लिख दीजिए, आप वो मुझे दे लेंगे, और आप मेरा मेल आईडी भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वैसे मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्टली हमारे जो ICAR के जो महानिदेशक हैं आप उनको भी मेल भेज सकते हैं, ठीक है, आप उनको भी मेल, क्योंकि देखिए आजकल तो बहुत ओपन है, सोशल मीडिया है, ICAR का ट्विटर हैंडल भी है, ICAR का फेसबुक भी है, तो आप लोग तो किसान भाई लोग हैं, आप लोग तो हमारी तरह नौकरी में नहीं है ना कि परमिशन लेना है आपको, तो आप लोग तो कहीं भी लिख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली जानकारी हमारे तक आएगी और हम आपको पूरी सुविधा वगैरह उपलब्ध कराएंगे। हाँ जी, धन्यवाद मैम। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो है वो बलराम संदेश की ईमेल आईडी और मैम की ईमेल आईडी आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है, तो सर भी आप मैं बसंत वर्मा जी से निवेदन है, उनका रेज है, हैंड रेज है। बसंत वर्मा जी, अगर आपको आवाज आई तो अनम्यूट करिए प्लीज। जी नमस्कार जी, पूछिए। बहुत अच्छे हैं, मैं बसंत वर्मा मध्य प्रदेश हरदा जिले से बोल रहा हूँ, और मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हम सर। मेरे मैडम थोड़ी ये जानकारी चाहिए थी मैं कि उन्होंने जो आखिरी में मैं मक्के के ऊपर जो बताया था, तो उसका मैं भी मक्के पे विशेष कार्य कर रहा हूँ, रबी और खरीफ दोनों सीजन में मैं रेड कॉर्न लगाता हूँ और इसका एरिया में डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें किस प्रकार से प्रोडक्शन में आप सहयोग मिल सकता है इसका, मक्के के बारे में मेरे को बताइए। वर्मा सर जी, आप अगर मक्के की खेती कर रहे हैं
तो देखिए, एक तो हम आपको उसमें फॉल आर्मी वर्म का आया होगा, आपको लास्ट ईयर आया था आप लोगों को ये प्रॉब्लम जी, वो पेस्ट की बिल्कुल हर साल आ रहा है मैम, फॉल आर्मी को रेगुलर आ रहा है, पर इसको मैं कंट्रोल कर ले रहा हूँ। मुझे फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी चाहिए। आपको फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें ऐसा कर सकती हूँ कि आप प्लीज अपना मेल आईडी और जो भी आपका कांटेक्ट है, डिटेल्स है, आप उनके पास छोड़ दीजिए, सौरभ सर के पास या शुभम जी के पास या इनके पास, देवेंद्र सर के पास, और मैं आपको कॉन्टेक्ट कर और मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी कि आपको कैसे ये और कहां से मिलेगा। कुछ तो इफको भी शायद, देखिए हम लोग तो सरकारी, मैं फिर आपसे यही कहूंगी, हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा प्रोसेस काफी स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन इफको वाले तो सेल भी करना स्टार्ट कर दिया है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ एक्चुअली, वो भी, उसने भी काम स्टार्ट किया था और उसने एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, बाद में वो इफको यूएस वगैरह जाकर के वापस आके इफको ज्वाइन किया है उसने, तो वो तो प्रोडक्ट सेल भी कर रहा है। तो आप मुझे भेजिए, मैं पक्का आपको उसके साथ कनेक्ट कर दूंगी, तो आप आराम से उस प्रोडक्ट, मतलब आप आराम से नैनो फर्टिलाइजर्स मीज के, मतलब गन्ने, इसमें क्या बोलते हैं, मक्के की खेती में आप यूज कर सकते हैं। उसका नाम मैं भूल रही हूँ एक्चुअली जी मैम, मैं आपको कराना शुरू कर दिया है मैम, इसको जो है उपलब्ध कराना शुरू कर रहा है और शायद ये जुलाई से शुरू हो जाएगा अपने पर। मैं वो मेरा एक्चुअली मतलब काफी जूनियर ही है, लेकिन वो स्टूडेंट से ज्वाइन किया था उसने, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, रमेश रालिया। ओके मैम, ओके। हाँ, ऐसे आप चाहें तो रमेश रालिया को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ये नैनो फर्टिलाइजर का काम मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी के साथ किया हुआ है, वहां पर भी जो मेरे कुलीग साइंटिस्ट है डॉक्टर विनोद कुमार सर, वो भी आपको प्रोडक्ट दे देंगे। मतलब आप अगर चाहे शुरू में फ्री में ट्रायल लेने के लिए, तो आप विनोद कुमार सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे कि कमर्शियल लेवल पे आप अपनी खेती कर रहे हैं तो आपको थोड़े से काम नहीं चलेगा, तो आप चाहें तो लार्ज स्केल पे आप इफको से खरीद करके भी यूज कर सकते हैं। बल्कि मैं जी, आप विनोद हमारी टीम से पहले लीजिए, विनोद सर से लीजिए, और लेकर के आप देखिए कि हाँ उसका कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब आप इफको में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज कुमार प्रजापति जी हैं, बाइसिकल मैन, मैं उनसे चाहूंगा कि आपका रेज हैंड, तो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए मैम से, परिचय दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ नीरज, नीरज जी, हाँ नीरज, हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ नीरज, दीपा मैम, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये जितनी भी आपने बायोलॉजिकल बताई, मुझे अभी तक ऐसा डाटा नहीं मिला नहीं था मैम। और तो मैं अपना ब्रीफ बताना चाहूँ कि मैं पूरे इंडिया की 111,111 किलोमीटर मिशन ऑर्गेनिक जैसे बाइसाइकिल यात्रा कर रहा हूँ, और मैं पूरे देश में ये जो साइकिल, इससे मैं इंडिया के जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं 76 और ICAR के जितने 113 इंस्टीट्यूट हैं और 600 के, सभी में मैं साइकिल से जाता हूँ, और जिसमें मैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब को कुछ इलाका कर चुका हूँ भी, तो मैं जल्दी आपके पास भी आऊंगा, आपके जो ICAR इंस्टीट्यूट में विजिट करूंगा। और मैं आपसे एक निवेदन कर चाहता हूँ कि जो भी डाटा है अगर सॉफ्ट कॉपी में, प्लीज वो मेरे को मेल के थ्रू अगर प्रोवाइड हो जाता है तो मैं उसको एक बार स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा डाटा यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करता हूँ और उसको रिसर्च पेपर्स को स्टडी भी करता हूँ, फिर किसान भाइयों तक टेक्नोलॉजी, मतलब एक जो आपका ICAR का पहले प्रोजेक्ट भी चला था लैब टू लैंड, तो मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ मैम, और लास्ट मेरे को 2 साल हो गए हैं जिसमें मैं 10 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ इंडिया में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है सबसे पहले तो बैंगलोर में, आप कभी भी आए तो जरूर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए, और हमारा जितना भी काम है वो फोल्डर्स वगैरह में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, और आप जो हैं वो देवेंद्र सर को प्लीज मेल आईडी दीजिए, और मेरे या मतलब आप देवेंद्र सर को कांटेक्ट में रखिए और उनका मेल आईडी डाल के सीसी में मुझे भी दीजिए, मैं आपको जितने फोल्डर्स अवेलेबल है, और बहुत कुछ तो हमारे वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, लेकिन आप मुझे, मैं आपको अलग से भेज दूंगी, और आपका बहुत स्वागत है बैंगलोर में, आप जरूर आइए। मैं अगला कोई सवाल लेना चाहूंगा पंकज जी का, खंडवा से, पंकज भाई आप कृपया अनम्यूट करिए, पंकज पटेल जी, पंकज भाई आपको आवाज आ रही है, पंकज भाई, पंकज पटेल जी पूछिए। हेलो,
हाँ पंकज, पंकज भाई आपको आवाज। शायद माइक की कुछ दिक्कत आ रही है। अभी अभी प्रॉपर है जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 प्रश्न जी पूछिए पूछिए पूछिए, अपना परिचय देते हो। मैम नमस्कार, पंकज पटेल खंडवा मध्य प्रदेश से। मैडम मेरा एक प्रश्न था कि अभी पिछले कुछ टाइम से जैसे कि हमारे यहाँ स्टेम बोरर जो कीट है उसका प्रकोप हो रहा है और अभी मतलब तकरीबन एक मिनट, ये स्टेम बोरर मतलब आप पूरा नाम बताएंगे, मतलब कौन सा क्रॉप का स्टेम बोरर है? देखिए स्टेम बोरर हम बहुत सारी चीजों को स्टेम बोरर बोल देते हैं जी। मैम प्रॉब्लम है मैम सोयाबीन के लिए। अच्छा सोयाबीन का, देखिए सोयाबीन का स्टेम बोरर जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है मतलब कि यही मैंने आपको अभी एक रिक्वेस्ट किया है सभी लोगों से कि आप जब मुझे पेस्ट का नाम बताएं तो प्लीज अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से उसका मतलब फोटो या साइंटिफिक नेम लेकर के भेजें। जैसे स्टेम बोरर जो है वो बहुत एक कॉमन टर्म है, हम येलो स्टेम बोरर भी होता है जो कि राइस में होता है, ठीक है। और मतलब बोरर मतलब तना छेदक, आप हिंदी में इसको तना छेदक समझिए, ठीक है। तो तना छेदक जो भी तना मतलब जो पेड़ के तने को जो भी छेद करता है तो सभी को तना छेदक बोलते हैं, ठीक है। yes, लेकिन जो राइस में दूसरा होता है जो कि सिर्फोफागा इंसर्टुलास होता है, ठीक है। yes, और दूसरे वैरायटी में जैसे सोयाबीन का तना छेदक दूसरा होता है, कॉफी बेरी बोरर का कॉफी का जो तना छेदक है वो दूसरा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी नहीं, अभी तो मैं समझ सकती हूँ कि आप उसको तना छेदक ही सिर्फ बोलेंगे, स्टेम बोरर ही बोलेंगे। लेकिन जब आप मदद की उम्मीद होगी तो प्लीज मुझे उसका साइंटिफिक नेम आप एग्रीकल्चर ऑफिसर से लिख करके भेजिएगा, ठीक है। मैम मेरा एक और प्रश्न था, जैसे कि आप नैनो सेंसर्स के बारे में आपने बताया, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ विशेष कीट ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं फसलों को, जैसे कि कभी हम बात करें कि जब हेलो हेलो हाँ जी पूछिए पूछिए पूछिए। मैम अभी जैसे हो रहा है कि जिस साल पानी कम गिरता है या मतलब लालीना का इफेक्ट होता है और जिस साल बारिश कम होती है उस समय हमारे यहाँ वाइट ग्रब की समस्या बहुत अधिक हो जाती है, बिल्कुल। और कुछ क्षेत्र विशेष हैं जहाँ पर ये समस्या अधिक होती है गांव में, मतलब बाकी का पोर्शन छूट जाता है गांव का लेकिन कहीं पर उसकी कीट की समस्या ज्यादा होती है, तो इस पे भी कोई मॉनिटरिंग है क्या कि कीट किस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं या कौन से कीट विशेष क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, इस पे कोई मॉनिटरिंग बॉडी है या उस पे कुछ काम हो रहा है या किसी तरह के सेंसर्स ऐसे हैं जिनसे पता लग सके फार्मर्स को समय रहते कि इस तरह के कीट इस साल होने वाले हैं या कोई स्टडीज इस तरह की पता लग सके? देखिए आप पंकज सर, सेंसर का जो रिसर्च है ये तो बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कोई सेंसर मेरी जानकारी में तो नहीं है जो कि फोरकास्टिंग करे। बेसिकली ये फोरकास्टिंग का काम होता है कि जो है बताते हैं आपको कि कब कहां पर। इवन देखिए फोरकास्टिंग तो हमारा आपका टिड्डी के दलों में भी फेल कर गया था, जो अभी टिड्डी का इतना प्रकोप हुआ था, ठीक है। हम काम कर रहा होता तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हुआ हमारा, है ना। तो अभी तक तो ये सब रिसर्च में ही है और अभी इतना फोरकास्टिंग का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो लोग उनका अपना कोई मॉनिटरिंग टूल है मेरे ख्याल से, जो मैंने लोगों से सुना हुआ है, ठीक है। मैंने किसी और किसान भाई लोगों से सुना है किसी और एरिया के, तो आप चाहे तो अपने एरिया के एग्रीकल्चर ऑफिसर वगैरह को कांटेक्ट करके आप देख सकते हैं कि उनके पास किस तरह के ये है फोरकास्टिंग के डेटा है। हाँ लेकिन आप जैसे ये वाइट ग्रब्स का अगर आप बोलेंगे प्रोडक्ट देने के लिए तो वो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जब अगर ये अडल्ट स्टेज लार्वा आ जाता है तो अडल्ट तो आएगा ही आएगा, तो आप उस समय मुझसे ये ले सकते हैं और आप आराम से उसको ट्रैप करके। चैट बॉक्स से काफी सारे साल लोगों का ये सवाल है, चैट बॉक्स से ले लीजिए। राजनंदवाना जी कोटा अंता से, राकेश जी रतलाम से और बिहार से सतीश जी का सवाल है कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो नए फर्टिलाइजर हैं ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं? हाँ जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा टीम जो रिसर्च कर रहा है तो आप हमारी टीम से भी ले सकते हैं, और नहीं तो इफको तो अब उसको कमर्शियली अवेलेबल करा रहा है तो आप इफको से भी ले सकते हैं।
एक सवाल है कौशलेश कुमार मिश्रा जी का, उन्होंने ये पूछा है कि बायोसेफ्टी इश्यू तो नहीं है कोई भी नैनो फर्टिलाइजर का अगर गेहूं में प्रयोग करें तो? देखिए बायो फर्टिलाइजर का अगर सेफ्टी इश्यू होता तो इफ्को वाले उसको कमर्शलाइज नहीं करते। देखिए हमारा जो टीम का जो प्रोडक्ट है वो जो हमारा अभी तक मार्केट में नहीं जा पाया है, तो बेसिकली यही लोग कह रहे हैं कि बायोसेफ्टी बायोसेफ्टी। लेकिन चलिए अगर मान लीजिए मेरा हमारे प्रोडक्ट को मतलब थोड़ा हम जैसे मैंने कहा ना भाई हम लोग सरकारी सिस्टम में हैं, तो बायोसेफ्टी स्टडी करने में भी पैसे का अरेंजमेंट करना, उसका बायोसेफ्टी स्टडी करना, वो सब थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हम लोगों ने बायोसेफ्टी स्टडी भी किया हुआ है, हमें कोई भी ऐसा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला है। और बायोसेफ्टी का फुल प्रूफ रिजल्ट है कि हाँ दे आर सेफ, मतलब वो सेफ है, इसी वजह से इफ्को जो है वो मार्केट में सेल कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बायोसेफ्टी का कोई ऐसा इश्यू आना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं नैनो फर्टिलाइजर की जो मैं बात कर रही हूँ तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ही अवेलेबल है। अभी आप समझ रहे हैं जैसे जिंक के लिए अवेलेबल है, कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए ही अवेलेबल है, सारे फर्टिलाइजर नैनो फर्टिलाइजर में नहीं अवेलेबल है अभी। मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो और अभी तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ही वो सूक्ष्म अपने आप को रोक सकता है। माइक्रो वाले ही अवेलेबल है, मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो होते हैं उनके ही अवेलेबल है नैनो। इफ्को के कुछ प्रोडक्ट आए हुए थे पिछले साल लास्ट ईयर हमारे पास टेस्टिंग के लिए, उसमें जो है मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही थे। तो अच्छा मेजर तो फिर इफ्को वालों ने मेजर वो किया होगा, मतलब फिर और लास्ट ईयर उन्होंने सारे देश के सारे केवीके लगभग 675 केवीके में उसकी टेस्टिंग की है, और टेस्टिंग के रिजल्ट के आधार पे वो उसको जो है मार्केट पे लाएंगे। कुल मिला के वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, उसका जो मैंने असर देखा तो वो प्रोडक्ट जो है हमारे कम से कम यूरिया है, सल्फर है, जिंक है जो मेजर कांस्टेंट्स हैं, और आज की डेट में बोरान और मैग्नीशियम भी जो है उनको अप्लाई करना सॉइल में बहुत आवश्यक हो गया है। तो इन चार पांच चीजों की सख्त जरूरत थी कि हमारे किसानों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ये प्रोडक्ट खासकर जिंक, सल्फर और यूरिया, नाइट्रोजन, ये तीनों बहुत ही जो है रिवोल्यूशनरी होंगे और आने वाले दिनों में इसका बहुत अधिक हद तक जो है प्रयोग किया जा सकेगा। जी मैम, जी मैम, बायोसेफ्टी इशू जहां तक है वो सब लोग टेकअप करेंगे, बिकॉज देखिए कोई भी साइंटिस्ट जो है वो ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं उतारता है। मान लीजिए मैंने भी अगर स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन बनाया है फेरोमोन्स का, तो हमने वो केमिकल्स यूज किए हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो कि बायोलॉजिकली मतलब आपका उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो सारे केमिकल्स हमने यूज करके उसको नैनो में कन्वर्ट करके बनाया है। तो जितने भी वैज्ञानिक गण है वो इस चीज का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आपको पता है कि भाई बहुत सारी चीजें होती है साइंस में वो प्रोडक्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर वो बायोसेफ्टी का इश्यू लगा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसका तो हम टाइम के साथ साथ ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू मैम। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर से एक हमारे विशेष गुरुजन हैं डॉक्टर अरुण शर्मा सर, तो उनका एक सवाल है राजस्थान में बेर की जो फल मक्खी है जिसे कार्पोमिया कहते हैं, क्या उसके लिए कोई फेरोमोन ट्रैप बनाया है, और अगर ये है तो इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर एक्चुअली जो है वो आप मुझे प्लीज इसके बारे में डिटेल्स दीजिएगा, क्योंकि मैं भी नए नए फेरोमोन पे काम करना मुझे पसंद है। अब जैसे ये जो बेर है, अब ये बेर जो है ये कमर्शियल क्रॉप में नहीं आता है सर, आप समझे मेरी बात को, तो ये कमर्शियल क्रॉप में नहीं है, तो इस वजह से इसका प्रोडक्ट भी नहीं अवेलेबल है। लेकिन मैम ये क्या है जैसे जो सूखे वाले एरिया हैं वहां के लिए कमर्शियल क्रॉप उस क्षेत्र में रहता है, वहां के लिए तो ये राजस्थान के किसानों की विशेष फसल है जो खजूर और बेर के रूप में आप वहां पे ले सकते हैं। अच्छा तो सर एक्चुअली आप ये कर सकते हैं कि आप ये डिटेल्स मेरे पास भेजिए, मैं इसको चेक करके फिर आपको रिप्लाई बैक करती हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में अभी तक किसी ने भी मुझे इसके लिए बेर के कॉन्टेक्ट नहीं किया है किसी ने भी। आपको कल शाम तक मिल जाएगा,
और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वास्तव में जैसा डॉक्टर शुभम साहब ने कहा, ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल, कमर्शियल फसल के रूप में जानी जाती है डेट पाम और ये बेर। सर मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, कोई सतीश शर्मा जी है, उन्होंने शायद प्रेजेंटेशन मांगा है, आई डोंट नो, मैं नाम सही से एक मिनट मैम, वो उनको पहले ही मना कर दिया गया है, प्रेजेंटेशन शेयर किसी से भी नहीं होगा, प्रेजेंटेशन किसी से भी नहीं, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें मैम, बिल्कुल चिंता ना करें। एक मिनट सुनिए तो सर जी, अगर उन्हें जरूरत है, अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं, मैं देने को तैयार हूँ, मेरा सारा पेटेंटेड है, तो मुझे देने में कोई एतराज नहीं है कुछ भी, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके मैम, ओके, मैं क्या रिक्वेस्ट करेंगे तो देवेंद्र सर के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन दीजिएगा, वही आपको इन्फॉर्म कर देंगे, देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, उनके उनसे हम बात कर लेंगे और क्या पॉसिबिलिटीज है, उनको पार्ट ऑफ द जो है स्लाइड दी जा सकती है, यदि उनको इस विषय में अगर वो रिसर्च से संबंधित हो, रिसर्च में कुछ कहना चाहते हो, तो एज ए रेफरेंस बहुत सारे आपके पब्लिकेशन ऑनलाइन है, आप वो उसको ले सकते हैं, या उनको ऑनलाइन लेने में उपलब्धता है तो वी कैन शेयर आल्सो, नो इशू। देवेंद्र सर, मैं चूंकि मुझे कुछ कहना चाह रहा था जी, तो मैं साथ कर लेंगे, तैयार कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कर लेंगे मैम, कर लेंगे उनसे बात करके कर लेंगे। डॉक्टर यतिन पटेल जी, आपका जो भी सवाल हो आप अपना परिचय दीजिए, यतिन पटेल जी, और आपका सवाल मैम। सर मैं गुजरात बड़ौदा से बोल रहा हूँ, और मैडम का धन्यवाद, बहुत सारे अच्छी नॉलेज दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंगो के लिए कोई फल मक्खी का उन्होंने कोई ल्यूर बनाया है क्या, आम 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 के अंदर मैंगो के अंदर, वो बैक्टेरोसीरा डॉर्सलिस ही होता है, उसका साइंटिफिक नेम बैक्टेरोसीरा डॉर्सलिस है, ठीक है, तो उसके लिए बनाया है, आप ले सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं देवेंद्र सर के थ्रू, या आप इनके थ्रू, क्या नाम है, शुभम सर के थ्रू, और इनके थ्रू कांटेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं प्रोडक्ट। शिवराजपूत जी, आपका माइक आप ऑन करें, आपको परमिशन दी जा रही है, आपका सवाल पूछिए अपना परिचय देते हुए। मैम आवाज, हाँ हाँ आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी, आप माइक दोबारा से ऑन कीजिए प्लीज। हेलो, शायद संपर्क टूट गया हमारा। संजय मेहता जी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है, मैं डॉक्टर केएस यादव बोल रहा था। हेलो हेलो, हाँ शिव जी जी जी, हाँ जी मैम, मुझे एक्चुअली न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के लिए पूछना था मैम, जैसे मैंने भी क्लोरोफिल मीटर यूज किया था, तो इस टाइप के कोई सेंसर्स अवेलेबल है क्या मार्केट में या कहीं पर भी, जिससे हमें डिफिशिएंसी पता चल जाए। अभी ब्रिक्स मीटर यूज किया, ब्रिक्स मीटर से तो हमें डिफिशिएंसी नहीं मिल पा रही है कि जैसे हमारी कई जैसे स्टेप एनालिसिस होता विदेशों में, तो हमारे यहां स्टेप एनालिसिस तो होता नहीं है। शिवराजपूत जी, ऐसा कुछ हो पाएगा क्या? बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, जो कि ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी जानकारी लोगों तक नहीं है, तो आप मुझे ऐसा कीजिएगा कि प्लीज आप मुझे देवेंद्र सर के थ्रू एक मेल भेजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स भेजती हूँ। बहुत सारे एग्रीकल्चर के सेंसर्स मुझे पता है आईएएससी में मेरे एक फ्रेंड ने ही बनाया है, ठीक है, अच्छा, तो आप बताइएगा, तो नहीं होगा मैं उस प्रोफेसर के कॉन्टेक्ट में आपको डाल दूंगी, मतलब उस प्रोफेसर के कॉन्टेक्ट में आपको, आप लोगों को कॉन्टेक्ट करा दूंगी, तो आपको टेस्टिंग के लिए वो मिल जाएंगे। और पता है सेंसर्स बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हमारे जो नैनो सेंसर्स थे, तो डेफिनेटली वो पेस्ट के लिए तो पहली बार इंडिया से हम लोगों ने किया ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन और जो चीजों के आप सेंसर बता रहे हैं, बहुत सारे सेंसर तो चाइना वालों ने ऐसे ही बना करके रखे हुए हैं, आप समझ रहे हैं, तो काफी सारे अवेलेबल हैं एक्चुअली। मैम एक्चुअली मैं एक एफपीओ भी रन कर रहा हूं, बट क्या हुआ है, काफी फार्मर्स है, मेरे पास खुद का भी काफी बड़ा लैंड होल्डिंग है, बट क्या हुआ, हमें ये माइक्रो न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी के कारण कई बार क्या होता है कि हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं, ऑन द स्टेज हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो मैम थोड़ा मैं प्यासी सर से अपना मेल एड्रेस सेंड कर देता हूं, तो मैं भी ठीक है। शिव जी आप उनको
डिटेल्स भेज दीजिए और मैं आपको पूरा मदद करूंगी कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये। बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल है और ये चूंकि क्या है, फार्मर्स को नई नई तकनीक यूज करने के लिए भी प्रॉपर वो नहीं है, मतलब डायस नहीं है, तो इस वजह से श्योर मैं आपकी मदद करूंगी। एक्चुअली में कर्नाटक में भी, बैंगलोर में भी फसल वालों से भी मेरी चर्चा हुई थी इस बारे में। फसल करके एक नया एंटरप्रेन्योर है, फसल करके कुछ अमित बंसल आई थिंक सो, उन्होंने बनाया है सेंसर, तो उस पर भी वर्क किया बट कोई डिवाइस उनका भी वर्क नहीं कर पा रहा था। वो बोलते हैं अभी तो हम ग्राउंड पे नहीं। डिटेल्स भेजिए आप, पूरा अपना पूरा डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको राइट पर्सन से कांटेक्ट कराऊंगी। मेरा एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में भी है, पीटर हास्कत करके, उसने भी काफी सारे सेंसर बनाया हुआ है, तो मैं आपको राइट ग्रुप में और राइट पीपल के साथ में कांटेक्ट करा दूंगी। मैम क्यों बहुत परेशान हूं एक्चुअली। जी अखिलेश कुमार जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आपका परिचय देते हो, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार बोल रहा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा से, मध्य प्रदेश से। तो कुछ क्या ये ट्रैप क्रॉप में भी कुछ सेंसर का कुछ हुआ है क्या? ट्रैप क्रॉप जो हम लोग यूज करते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट में, एक प्रोजेक्ट तो मेरे पास आया था और मैं उसमें अभी काम कर रही हूँ, और हम लोगों ने सोचा था कि हाँ वो ट्रैप में भी हम सेंसर जो है फिक्स करेंगे करके। तो पर्टिकुलरली वो क्या है, हम लोगों ने स्टार्टअप कंपनी के थ्रू वो काम स्टार्ट किया है, जो आजकल स्टार्टअप में फंडिंग मिलता है ना बायरेक वगैरह के थ्रू, तो उसके थ्रू स्टार्ट किए हैं कंपनी के साथ। तो अभी वो उसका कुछ फंडिंग मिला है हम लोगों को उधर से भुवनेश्वर से, तो वो काम अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या है, वो ट्रैप का कॉस्ट काफी इंक्रीज कर जा रहा है, जो हम लोगों ने बनाया भी रिसर्च पर्पज दो चार ट्रैप, तो पर ट्रैप जो है उनके आसपास जा रहा है। तो अब आप बताइए कि कौन फार्मर 1000 रुपीज का ट्रैप खरीदेगा? तो हम लोग उसको कॉस्ट रिडक्शन में लगे हुए हैं कि किसी तरह उसके कॉस्ट कम कर सके। नहीं, वो जो क्रॉप यूज करते हैं, जैसे कि अभी चाइनीज कैबेज यूज कर रहे हैं इसमें डीबीएम मैनेजमेंट में, इसमें कैबेज वगैरह में या क्रूसीफेरस प्लांट में, तो क्रॉप का और उसका जो ट्रैप क्रॉप यूज कर रहे हैं उसका और जो इंसेक्ट का है उसका क्या, किस तरह से कोरिलेशन है, किसमें वो कम और ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए कोई सेंस, इसके रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा था। नहीं, इसका तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है अखिलेश जी। आप फिर भी अपने जो है वो प्रॉपरली आप अगर देवेंद्र जी को देंगे लिख करके, तो मैं देखती हूँ कि कौन उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो मैं उसके उसके पास वो सवाल भेज दूंगी आपका। ओके। वैसे आपके यहाँ डॉक्टर टीएम शिवलिंगा स्वामी जी हैं, उनके साथ मैं काम किया हूँ बनारस में, आईआई बिहार में। तो अगर हम कॉन्टेक्ट करना होगा तो उनके माध्यम से हो सकता है। शिवलिंगा स्वामी सर हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे दूसरा एक ऑफिस है येलंका कैंप, तो वो वहाँ पर बैठते हैं। वो पहले वहाँ उसके ऊपर आईआई बिहार में, तो मैं उनके साथ काम कर रहा था उसमें, अभी तो इधर पॉलिनेटर करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, उन्होंने हनी बीज वगैरह पे बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ओके ठीक। डॉक्टर के एस यादव साहब कुछ पूछना चाह रहे थे, सर कृपया आप पूछे। डॉक्टर के एस यादव साहब। हाँ सर नमस्कार सर। जी पूछे आप मैडम से। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप मैडम से पूछें सीधे। जी मैडम, थोड़ा सा लीक से हटकर मेरा एक सवाल है, और क्षमा भी चाहूंगा, और बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन भी रहा, नॉलेज भी काफी नई चीजों पर मिला। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस फोरम के माध्यम से कि जहाँ तक इस हमारे फार्मर्स जो है, जब स्लाइड की बात करते हैं प्रेजेंटेशन की मांग की, वो मिल जाएगा कि नहीं, जैसा मैं सुन रहा था, ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग जो है स्लाइड्स देना नहीं चाहते, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर मैं दे रही हूँ। इससे नहीं, मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फोरम से पूरे मैं एक्चुअल में जहां भी जाता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि स्लाइड बना करके उसको फिर देना नहीं है, और भी जगहों की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस वगैरह में और बाकी चीजों में, तो लोग जो उसको बड़ा छुपा के रखते हैं। ये चीजों तो एक्चुअल में बाहर होनी चाहिए कि किसानों को फायदा। आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसलिए देखिए मैंने तुरंत देविंदर सर को और मैंने शुभम सर को मैंने तुरंत देखिए बाकी लोग क्या करते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकती हूँ। कोई इशू नहीं मैम। प्रवीण कुमार जी आप अपना सवाल पूछिए, आप माइक ऑन कीजिए। प्रवीण कुमार जी
संजय मेहता जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपने रेज हैंड रेज किया हुआ है। प्रवीण कुमार जी या संजय मेहता जी आप दोनों से कोई हो? सर नमस्कार जी, आपका परिचय दें। संजय मेहता हिसार हरियाणा से, धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। चीजें होती है जो भी एक तो फास्ट में, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, आप थोड़ा सा क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जी। दर्शक नमस्कार, अब मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, जी सर, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं मैडम को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा। सर मेरा सवाल ये था कि सिट्रस में हमें भी फ्रूट फ्लाई जो है ना बहुत परेशान करती है, और मार्केट में जो ट्रैप्स रहते हैं जो मैडम ने अभी बताया कि कुछ समय काम करते हैं और उसके बाद नहीं करते हैं। हेलो हेलो, पूछिए पूछिए, आवाज आ रही है सर आपकी, पूछिए सर। सर मुझे एक तो सिट्रस पे समस्या है, दूसरा जो सवाल था राजस्थान में बेर का, मैं भी बेर की फार्मिंग भी कर रहा हूँ साथ में, और फल मक्खी जो है ना बेर में भी परेशान करती है, और एक वाइट ग्रब का, तो इनके जो ट्रैप्स होते हैं वो जो मैडम कह रही है अभी जो लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं वो कहाँ से अवेल हो सकते हैं हमें? वो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैंने ग्रुप में अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ये सारी चीजें मैं अवेलेबल कराऊंगी। और वो जो बेर से रिलेटेड है वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, मतलब शुभम सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो देवेंद्र सर को पूरा डिटेल्स भेज दे, मैं उसको चेक करूंगी कि क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे पास पहली बार आ रही है, तो मैं इसको चेक करूंगी कि इसका कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट। ठीक है संजय मेहता जी, हाँ जी हाँ जी। शुभम जी कोई और प्रश्न हो और चाहे क्वेश्चन पूछना था, एक मेरे को बोलना नहीं चाहता। सॉरी सर, बोलिए सॉरी सर, सर पूछिए। हाँ हाँ आइए सर, सर मुझे जरा एक मिनट का ब्रेक मिलेगा, जरा मैं पानी का ग्लास। नहीं नहीं बोलिए मैम, बिल्कुल लीजिए प्लीज मैम, प्लीज प्लीज। जब तक मैम आती हैं तब तक हमारे बीच में है बड़ौदा से एक बहुत विशेष अनुभवी किसान हैं, डॉक्टर राजेंद्र चौरे जी, जिन्होंने अंजीर पे भारत में बहुत ज्यादा काम किया है, मलेशिया से लेकर काफी सारी जगह से इन्होंने जर्मप्लाज्म कलेक्शन किए हैं। तो सर आप अंकल जी, आपका सवाल हो एक बार आप दोहरा दीजिए। अंजीर में सबसे बड़ी जो पेस्ट है वो फिग बोरर, फिग ट्री बोरर है, स्टेम बोरर। ब्रिजेश एक वेबिनार में हूँ मैं और हेलो जी 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 सर। हाँ जी, और फिग स्टेम बोरर और बेटोसेरा रूफोमेकुलाटा नाम है उसका जी, बोरर का, तो इसका आपके पास कुछ है क्या मैम, या भविष्य में कुछ उपलब्ध हो सकता है? बताऊंगी सर, क्योंकि ये भी मुझे आज पहली बार किसी ने कांटेक्ट किया है फिग के लिए, तो आप प्लीज मुझे ये अगर मेल में दे देंगे देवेंद्र सर, तो मैं आपको चेक करके मैं कल ही आपको रिप्लाई बैक कर दूंगी। जी मैम जरूर जरूर, थैंक यू मैम। सर बलराम संदेश के समूह में भी हैं, तो अगर आप उसमें भी अपनी क्वेरी लिखेंगे तो वो भी मैम तक पहुंच जाएगी। जी सर, जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चौरे सर। शरद वर्मा साहब आइए सर, स्वागत है आपका। हाँ सर नमस्कार, बहुत अच्छी आज मैडम ने जानकारियां दी हैं। एक सर मेरे बैंगन में ल्यूसी नोट्स करके जो बोरर लगता है बैंगन में, अपना जी ल्यूसिनेडस ऑर्बिनेलिस जो है में। हाँ जी हाँ जी, फ्रूट एंड शूट बोरर ल्यूसिनेडस ऑर्बिनेलिस जी, उसके लिए सर कुछ मैडम? उसके लिए मैं प्रोडक्ट
दे सकती हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि उसका प्रोडक्ट है हमारे पास अवेलेबल, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट दे दूंगी। ये हमारा ऑफिस के थ्रू ही सेल होता है, ये एक्चुअली ये जो NBIR है वहां से गवर्नमेंट रेट फिक्स्ड है, अलग अलग उसके कंपाउंड के अलग अलग रेट है, तो वो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक 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 है मैडम, तो sure सर से मैं ले लूंगा सर कॉन्टेक्ट, कहाँ से मिलेगा? प्रवीण कुमार जी थोड़ा शॉर्ट में पूछिए जो भी प्रश्न हो। प्रवीण कुमार जी हैंड रेज किए हैं काफी देर से, थोड़ा शॉर्ट में पूछिए। आपका हेलो, हाँ जी आपकी आवाज, हाँ पूछिए पूछिए, हाँ क्लियर है पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मैडम ने अमरूद के लिए और सीट्रस के लिए ट्रैप बताए हैं फ्रूट फ्लाई के लिए, वो कहाँ है उपलब्ध हो गई? मैं सिर्फ हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको, आप मुझे कांटेक्ट, बल्कि मैं ग्रुप में हूँ आपके बलराम संदेश के, आप मुझे ग्रुप में कांटेक्ट कीजिए। आप प्रवीण भाई आप बलराम ग्रुप में है क्या? नहीं सर, मैं बलराम ग्रुप में नहीं। अच्छा, तो आप एक काम करिए, मैं चैट बॉक्स में ईमेल आईडी दिए हैं, बलराम संदेश का भी दिया है और मैम का भी है, तो आप दोनों पर मेल कर सकते हैं या बलराम संदेश के मेल आईडी पर मेल करिए, दो या तीन दिन में आपकी क्वेरी पूरी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास 20 एकड़ है जो सीट्रस का बाग है और 20 एकड़ मैंने अमरूद अभी अभी लगाया है। जी जी जी, प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, आपको आपको मैंने देवेंद्र प्यासी के नाम से एक व्हाट्सएप नंबर दिया है ग्रुप चैट बॉक्स में, आप उस पे जो भी अपनी क्वेरी है उसको लिख के, आप किसी भी भाषा में लिख के भेज दें, मैं उसको मैडम तक पहुंचा दूंगा और वहां से लिंक प्राप्त करके आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आप उसको परस्यू कर लेंगे, है ना? जो भी ऑर्डर आपको प्लेस करना होगा तो डायरेक्ट आप NBIAR को जो है सीधा भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहूंगी सारे ही किसान भाइयों को अपने कि हमारा जो है वो ऑनलाइन पेमेंट लिंक है ऑफिस का, आप उस ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट जनरेट करके आप मुझे मेल में भेजेंगे तो आपको 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब हम 2 से 1-2 दिन के अंदर हम प्रोडक्ट भेज देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं रिपीट कर देता हूँ, सम्मानीय सभी किसान भाइयों को, जो भी आप फोरमैन ट्रैप चाहते हैं वो, एक तो आप उसका साइंटिफिक नाम जान लीजिए जो इंसेक्ट है, और दूसरा एक लिंक है मैम के ऑफिस की जो पेमेंट लिंक है, उसमें आप पेमेंट करके और रसीद जनरेट करके मैम को ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं, तो 2 या 3 दिन में वहां से डिस्पैच हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, प्लीज कंटिन्यू करिए। सौरभ जी एक सेकेंड, NBIAR द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के जो है जैविक उत्पाद बनाए गए हैं वो सब उनकी वेबसाइट में उपलब्ध हैं, उनके जो है प्राइस लिस्ट भी उपलब्ध होगी उस वेबसाइट में, आप उस पे जाके जो सर प्राइस लिस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है एक्चुअली, पहले ये जानकारी अवेलेबल थी, बाद में हमारा वेबसाइट कुछ डाउन हो गया, कुछ मतलब कुछ अटैक हो गया था हमारे वेबसाइट पे, तो उसके बाद वो मतलब अवेलेबल नहीं है, तो इसी तरह मेल के थ्रू ही अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब या तो आप हमारे महानिदेशक या निदेशक को लिखिए या हमें लिखिए, है ना? तो आप अगर हमें मेल लिखेंगे पिकअप कर लेंगे। अगर किसान भाई देख पा रहे हो तो मैम जिस नंबर से बात कर रही हैं या मैम ने जिस नंबर से प्रेजेंटेशन दिया है उसमें उनका मेल आईडी दिख रहा है बहुत ही स्पष्ट, deeparecovery@gmail.com, ये मैडम का जो है मेल आईडी है, आप चाहें तो मैम को करने से पहले उस क्वेरी को मेरे मार्फिक जो है DPAYASI को भेज के और वो कर लें, अगर वो लगता है कि वो मेल जो है डायरेक्ट मैम को जानी चाहिए तो मैं उसको निश्चित रूप से वहां फॉरवर्ड करके, और जो भी जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो पब्लिकेशन से संदर्भित हो चाहे वो प्रोडक्ट से संदर्भित हो, निश्चित रूप से आपको उसकी फुल प्रूफ जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। सर आपका चैट बॉक्स में ईमेल आईडी भी डाल दें,
राइट। एक आखिरी सवाल की सवाल और जवाब के इस दौर में जी बिल्कुल सवाल और जवाब के इस दौर में एक आखिरी सवाल जो है वो या जो भी बात कहनी हो मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अंकुश रावत, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। और अंकुश जी आप अपनी बात कह सकें सर। थैंक यू शिवम सर। मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब भी हम थेरेपी यूज करते हैं फेरोमोन ट्रैप यूज करते हैं तो उसका हाइट है ना जो फेरोमोन ट्रैप की हाइट है वो क्रॉप कैनोपी की एट पर होना चाहिए एटलीस्ट और 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए तभी वो मेल मॉथ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। सपोज आपने वो फेरोमोन ट्रैप क्रॉप कैनोपी के सपोज हम फील्ड क्रॉप की बात कर रहे हैं ठीक है तो क्रॉप कैनोपी के सपोज नीचे रखेंगे तो अट्रैक्शन रेट ऑफ द मॉथ कम होगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रख लो अपने पास कि क्योंकि जब भी हम फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फार्मर्स सुनते नहीं हैं ठीक है। तो जो हाइट होगी फेरोमोन की वो आप क्रॉप कैनोपी की हाइट पे रखो तभी इसका इसकी इफिकेसी और इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और जो लूर चेंजिंग है वो करना पड़ता है हमें 30 डेज के बाद या 45 डेज के बाद। थैंक यू सर यही इन्फॉर्मेशन दी थी आप। अंकुश भाई अच्छा यस सर अंकुश जी हाँ जी मैम ये काफी अच्छी जानकारी आपने दिया है कि अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग हाइट चाहिए होता है और अलग अलग पेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसका फ्लाइट का कैसे पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हाइट डिसाइड होती है। अंकुश जी अगर आप अंकुश रावत सर जी अगर आप इसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए मुझे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर के आपस में फेरोमोन्स का काम कर सकें। एक्चुअली मैं 5 साल जो पीएचडी के टाइम था मेरा इसी पे काम था मेरा एलोस्टेम बोरर के ऊपर। वेरी नाइस। तो अंकुश जी आप प्लीज मेरे कॉन्टेक्ट में आइए ना मतलब मुझे मेल वगैरह भेजिए ताकि हम लोग कुछ फार्मर्स की तो मदद कर सकते हैं ना उनको नॉलेज दे सकते हैं और एक जानकारी देना चाहता हूँ। जब भी हम बॉर्ड सपोज एक फील्ड है हमारी बॉर्डर पे उसका अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है तो हम थोड़ा सा जो बॉर्डर होती है हमारी तो उससे 7 मीटर के अंदर लगाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वो पेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है और आप प्लीज मुझे मेल भेजिए ताकि हम लोग कॉन्टेक्ट में आए और हम सब लोग मिलकर के फार्मर्स की मदद करें कि उनको हेल्प करें कि हाँ किस तरीके से अरेंज थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे ख्याल से शिवम जी अब सवाल का सिलसिला समाप्त करते हुए हम अपने वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और इसलिए मैं दीपा मैम का आज बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वेबिनार बलराम संदेश के लिए एक विशेष वेबिनार रहा। हम लोगों को ये अपने आप में गर्व है कि ये 21वां वेबिनार हम लोग इतना सफलतापूर्वक आपके बहुत निरंतर 2 घंटे के अथक मेहनत के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर को कि और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। सौरभ जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब मैं आज के सेमिनार की एक्चुअली समरी प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत बहुत मैडम हमारा क्योंकि जूम ऐप का जो जूम का है वो सब्सक्रिप्शन 100 लोगों का है और ये बड़े मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के वेबिनार में लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक 100 लोगों की आवाजाही हमेशा बनी रही और आज के इस वेबिनार में 11 राज्यों के किसानों ने और विशेषज्ञों ने प्रगतिशील किसानों ने वैज्ञानिकों ने जो है पार्टिसिपेट किया है तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व रहा है। 9-10 राज्यों तक हम अब तक हमेशा जो है हमारे पूर्व में हुए वेबिनार संपन्न होते थे आज 11 राज्यों के लोगों में जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड झारखंड बिहार तो ये सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला और सभी लोगों ने आपकी बात को धैर्य पूर्वक सुना। अब हमारे बलराम टीम के जो है बैकबोन मैं आदरणीय डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी को आमंत्रित करूंगा
जिनके अथक प्रयासों से आज आपका लेक्चर हम सभी लोगों ने बहुत ही धैर्य पूर्वक सुना, मैं शुभम जी से को जो है आमंत्रित करूंगा कि वो अपना आभार प्रदर्शन करें। साथ ही साथ आज के वेबिनार की जो समरी है उसको भी जो है साझा करें, जिससे किसान भाई कैसे लाभान्वित हो सकते हैं आज के मैडम के इस जो है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन से, और कैसे वो उत्पाद को आप्स के माध्यम से विभिन्न प्रयोगों में जो उत्पादों को कैसे जो है वो प्राप्त करें, ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारी होना अलग चीज है और उत्पादों को प्राप्त करके और उसको अनुपयोग में ले आना और उससे अपनी खेती को बेहतर करना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस इन सभी बिंदुओं पे डॉक्टर शुभम साहब जो है अपने विचार व्यक्त करें। आइए शुभम जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद आज आमंत्रित डॉक्टर दीपा भगत जी, प्रमुख वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलोर से। आपका विशेष ये जो लेक्चर था नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर कीट मैनेजमेंट में क्या योगदान रहा है, तो हम सभी किसानों ने और बहुत सारे लोगों ने ये सीखा कि फेरोमोन ट्रैप हो, नैनो सेंसर्स हो, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो फर्टिलाइजर आने वाले हैं और ऐसी तकनीकें जिनकी वजह से खासतौर पर जैविक खेती में बहुत ज़्यादा योगदान आने वाला है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में ऐसे चीज़ें जिनको किसान अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकता है और खेतों पर अप्लाई कर सकता है, जो प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं और वैज्ञानिक किस हद तक किस स्तर तक जो है ऐसी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, तो ये बहुत सारे किसानों ने आज आपसे जुड़कर देखा और सीखा। तो बहुत विशेष आभार आपके इस एक अभूतपूर्व लेक्चर के लिए जो आप योगदान दे रही हैं, और आपने डायरेक्टली एक मंच जोड़ा हुआ है कि किस तरीके से आपके फेरोमोन स्लो रिलीजिंग फेरोमोन है जो कि नर कीटों को खेतों में से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे कि मादा कीटों का क्रॉस ना हो सके और वहाँ की उनकी जो है जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। और बहुत सारी और भी सूचनाएं हैं जो आपने दी कि किस समय लगाना है। आपके अलावा और भी हमारे बीच विशेष उपलब्ध जो है अतिथि थे, जिन्होंने समय समय पर अपनी राय से बताया कि कितनी ऊंचाई पे लगाना है ये फेरोमोन ट्रैप, कितनी दूरी पे लगाने हैं या अलग अलग फसल के लिए। साथ ही जो जागरूक किसान थे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा विस्तृत जो एक क्षेत्र था आज इस 2 घंटे के वेबिनार में काफी ज्यादा हद तक यहाँ पे प्रयोग हो के और इसकी सारी जानकारी मिल सकती है। तो बलराम संदेश टीम आपका विशेष आभार व्यक्त करती है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना एक बिजी शेड्यूल से टाइम देते हुए भारतीय किसानों के लिए अपनी सेवा को सुचारू रखा है, और हम कामना करते हैं कि आप और भी नए नए नवाचारों के साथ हर एक रोज किसानों के लिए कुछ और नया करके अपने आप को अग्रसित कर सकें और नए अवार्ड से भी आप अगले साल में भी अपने आप को सुशोभित करें, यही हमारी सारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय बलराम।